वो मेरे सामने कर देना। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। मेरा दोस्तों, लैब असिस्टेंट का साइंस का पेपर हो चुका है और यह पेपर आपका 28 जून को आयोजित हुआ। सबसे बड़ी बात आपके सामने रखने जा रहा हूँ आज इस विजय एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। मेरे दोस्तों, मैंने मेरी जो आप हैं मैराथन क्लास पहले देखना, इसके बाद मैं बात करूंगा। मेरे प्यारे लाडलो, ऑप्शन चेंज नहीं हुए हैं बायो के अंदर, सेम हूबहू क्वेश्चन आए हैं। मैंने कल की मैराथन में इससे पहले लगातार जो क्वेश्चन करवाए हैं वो आए हैं। 99% चीजें दोस्तों अपन ने जो मैराथन क्लास में यूट्यूब पर पढ़ा है उनमें से आया है, ऐप पर पढ़ा है उनमें से आया है। बायो में दो तीन ऐसे क्वेश्चन हैं जो दोस्तों हमारे एनसीईआरटी से हट करके हैं, बाकी सारी की सारी चीजें हम लोगों ने जो पढ़ी है वही आई है। तो सबसे पहले तो बच्चों, आप सभी को मैं शुभकामना देना चाहूँगा कि आपका सिलेक्शन हो। जितने भी बच्चे एग्जाम देने के लिए विजय एजुकेशन से गए हैं उनको भी, और भी दूसरे बाकी सभी प्लेटफॉर्म से जो बच्चे गए हैं उन सभी का मैं ये चाहता हूं कि सिलेक्शन हो। ठीक है, आपने अपने जो टारगेट सेट किए हैं, ठीक है, आप उन टारगेट को अचीव करें। ठीक है, तो दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी है ये अपने आप में। तो एक बार के लिए सभी दोस्तों को अपने साथ जोड़ दीजिएगा मेरे लाडलो। ठीक है, पेपर सॉल्यूशन होगा बायो की सबसे दोस्तों ऑथेंटिक की जारी करने वाला हूँ। सबसे पहले बायोलॉजी की वो की जारी कर रहा हूँ जिसको कोई चुनौती नहीं दे सकता। अधीनस्थ बोर्ड खुद भी मेरे दोस्तों उस की को मानेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तब तक के लिए फटाफट शेयर कर दीजिए अगर दोस्तों कोई नहीं है टक्कर में। ठीक है, कोई नहीं है टक्कर में। आज दोस्तों लैब असिस्टेंट का एक स्पेशल मेरे दोस्तों सॉल्यूशन होने जा रहा है बायो का। मैं सीधे शब्दों में कहना चाहता हूं दोस्तों, ठीक है, हर एक स्टूडेंट आज इस सॉल्यूशन को समझे, हर एक स्टूडेंट आज इस पेपर के पैटर्न को समझे, उसे बिल्कुल समझ आ जाएगा कि कल का पेपर किस तरह का आने वाला है। मुझे पता चल चुका है कि कल बायो के पेपर में क्या क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल आप जुड़ चुके हैं और भी जुड़ते रहिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? सबसे पहला क्वेश्चन है द सेल दे डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट जीवन फेज टू एंटर इन इनएक्टिव स्टेज कॉल्ड। इसने कहा है कोशिकाएं, कोशिकाएं जो आगे विभाजित नहीं होती जीवन अवस्था से निकल करके निष्क्रिय अवस्था में पहुंच जाती है, जिसे कोशिका चक्र की कौन सी अवस्था कहते हैं? अरे मेरे दोस्त, इतना सरल क्यों दिया तूने? ठीक है, कोशिका चक्र के अंदर मेरे प्यारे लाडलो, कोशिका चक्र में पहले कौन सी अवस्था आती है? सर, पहले आती है जीवन, फिर कौन सी आती है? एस, फिर कौन सी आती है? G2, मेरे प्यारे दोस्तों। तो G1 आती है, एस आती है, G2 आती है। और ये कह रहा है कि एक कोशिका G1 के बाद में सो गई, अपना एडमिट कार्ड लेकर एग्जाम देने को नहीं गई। मतलब जीके का पेपर दिया और साइंस का पेपर देने गई नहीं, तो उसको क्या कहोगे? उसको कहेंगे निष्क्रिय अवस्था, G0 अवस्था, G0 अवस्था। ऐसा कहां लिखा हुआ है सर? ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी में मेरे लाडलो। ठीक है ना, देख लो आप ऑप्शन नंबर डी के अंदर क्या लिखा है, G0 अवस्था। ठीक है ना, ये किसके बाद आती है? G1 के बाद। और किससे पहले आती है अगर ये पूछ ले तो? S फेज से पहले। तो क्या क्या सर अगले सेकेंड पारी वाले कल के एग्जाम में ये भी तो आ सकता है कि एस फेज के अंदर कौन सिंथेसाइज होता है? याद रख लेना, डीएनए सिंथेसाइज होता है मेरे दोस्तों। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया? राइट हो चुका है। आगे बढ़े क्या? बढ़ो सर जी, अगला क्वेश्चन। अरे भैया, ये क्या बात हो गई? पत्ती नुमा संरचना जो प्रांकुर को सुरक्षा देती है उसे क्या कहते हैं? ए लीफ लाइक कवरिंग दैट प्रोटेक्ट द प्लीम्यूल इज कॉल्ड। मेरे दोस्तों याद रख लेना, मोनोकोट जो होते हैं ना, एक बीज पत्री जो बीज पत्र होता है दोस्तों, उस बीज पत्र के अंदर क्या होता है मेरे लाडलो? ठीक है ना, अब तो दोस्तों आप विजय एजुकेशन पर भरोसा करने लग गए होंगे, क्योंकि मैंने जो लाइव क्लास में पढ़ाया
आया, वो हूबहू आया। मेरे दोस्तों अब आपको विश्वास हो गया होगा कि आखिर हम सब की मेहनत रंग लाई। मेरे दोस्तों आज तो आपको यहाँ पर संख्या बढ़ानी होगी, आज यहाँ बच्चे हजारों में होने चाहिए। एक बार दबा के शेयर करिएगा मेरे दोस्तों, दबा के इस जानकारी को शेयर करिएगा, ठीक है। आज की संख्या आपको बढ़ानी होगी, ठीक है। वेरी नाइस, शाबाश। पूरे पेपर को एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से सॉल्व करवाऊंगा। जिनको भी आगे कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम देना है, अगर इस पेपर को किसी ने समझ भी लिया ना, तो मान के चलना वो हर एक एग्जाम को फाइट कर सकता है बायो से रिलेटेड, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर दो चीजें हैं, ऊपर की तरफ होता है प्रांकुर प्लीम्यूल, ठीक है। प्लीम्यूल को दोस्तों आवृत करने के लिए मोनोकोट बीज में एक संरचना पाई जाती है, और इस स्ट्रक्चर को जो प्लीम्यूल को ढकती है उसको प्रांकुर चोल कहते हैं दोस्तों। कहीं लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। देखो कोलियोप्टाइल्स मैंने कई बार बताया है, लेकिन ये विशेषता किसकी है? मोनोकोट की है। डायकोट में कभी भी प्रांकुर चोल नहीं होता। और इस संरचना को क्या कहते हैं जानते हो? ये वाली संरचना स्कूटेलम कहलाती है। तो मूलांकुर चोल कहाँ होता है दोस्तों? मूलांकुर चोल इस मूलांकुर को ढकने का काम करता है। यहाँ पे रेडिकल होता है दोस्तों, रेडिकल को ढकने वाले जो संरचना है उसको बोलते हैं कोलेराइजा। कोलेराइजा किसको ढकता है? रेडिकल को ढकता है। जबकि इसने क्या पूछा? इसने कहा प्रांकुर को, प्लीम्यूल को कौन ढकता है? प्लीम्यूल को दोस्तों कपड़े पहनाने वाला कौन? तो कोलेप्टाइल, यानी दोस्तों प्रांकुर चोल। बताओ ये दोनों क्वेश्चन सही किए कि नहीं किए? बताओ मेरे लाडलो पे, मुझे भरोसा है आपने जरूर सही किए होंगे। वेरी गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, ठीक है। रीना, जय बजरंग बली, प्रियंका वर्मा, ठीक है ना, मोहन कुरेशी, सभी बच्चों का वास्तव में एक अलग ही जुनून है, ठीक है दोस्तों। इसी जुनून को बरकरार रखिएगा। एक बार इस क्लास की लिंक को शेयर कर दीजिएगा, बायोलॉजी को एक अलग अंदाज में शेयर कर, जो है मेरे दोस्तों यहाँ पे मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। बॉटनिकल नेम ऑफ पियल्स, ठीक है ना, बताइएगा दोस्तों। बाजरे का बॉटनिकल नाम क्या है? बाजरे का वानस्पतिक नाम क्या है? सर जी बाजरे का नाम तो हमें मालूम है तो बता दो, ठीक है। यह तो सर सिक्स क्लास में हमें साइंस वाले सर ने याद करवाया था, ठीक है ना दोस्तों। बाजरा, गेहूं, चावल, ठीक है, मक्का, ये तो वे चीजें हैं दोस्तों जो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों क्या बोलोगे बाजरे को? पेनिसिटम टाइफाइडिस। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन नंबर डी। वेरी नाइस मेरे दोस्तों, शाबाश। एक बार के लिए दोस्तों जुड़ते जाइएगा, लिंक को शेयर करते जाइएगा। लैब असिस्टेंट का एग्जाम जो कि अभी हाल ही में आयोजित हुआ दोस्तों, और उसका सॉल्यूशन आपके सामने है। सबसे पहले बायो का सॉल्यूशन कर रहे हैं मेरे दोस्तों, बहुत ही ऑथेंटिक, ठीक है। अब देखिएगा, थैंक यू सो मच सर, पूरे बायो के क्वेश्चन सही हुए हैं, दो क्वेश्चन को छोड़ करके। मनु, आपको बहुत बहुत शुभकामना, मुझे पूरा भरोसा था आप सभी बहुत बेहतरीन आंसर दे के आओगे। मुझे गर्व है आज बच्चों आप सब पर कि आप विजय एजुकेशन से जुड़े, और विजय एजुकेशन ने साबित कर दिया। मैथ के बच्चे भी जुड़ रहे थे, मैथ के बच्चों को लगने लग गया था सर बायोलॉजी हमें अब बहुत ईजी लगने लग गई है, ठीक है ना। हमने 11th 12th में बायो नहीं पढ़ी, लेकिन सर आपने याद करवा दी, ठीक है ना बच्चों। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत मेहनत करके मैंने इस बार बायो पढ़ाई थी, और उसका परिणाम दोस्तों आपके सामने है। बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं आज दोस्तों, आप सभी ने मुझे सपोर्ट किया। बहुत से लोगों ने मेरे दोस्तों ताने मारे कि ये कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, ये है वो है, लेकिन उन सभी चीजों को मेरे दोस्तों हमने इग्नोर किया, और आज का एग्जाम आपके सामने। नोट्स देख लीजिएगा, विजय एजुकेशन के मॉक टेस्ट आज भी डले हुए हैं, देख लीजिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आए हैं, ऑप्शन तक चेंज नहीं हुए हैं दोस्तों, ठीक है, देखिएगा। और ये कह रहा है दर्दों तक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति। आज से ठीक 2 दिन पहले के मैराथन क्लास में मैंने ये क्वेश्चन टाइप करवाया था, दर्दों तक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? दोस्तों तीन तरह के सरल उत्तक होते हैं। एक तो कैसा होता है? मृदु उत्तक। दूसरा किस तरह का होता है दोस्तों, ठीक है ना, दूसरा जिसको आप क्या बोलते हैं? स्थूल कोण उत्तक। और तीसरा कौन सा होता है दोस्तों? दर्दों उत्तक। तो तीन प्रकार के उत्तक होते हैं।
हैं पेरेन्काइमा, ठीक है ना, स्क्लेन कोलेन्काइमा और स्क्लेन्काइमा। ये कह रहा है कि जो स्क्लेन्काइमा है दोस्तों, स्क्लेन्काइमा की सेल वॉल किसकी बनी हुई है? पेरेन्काइमा की आ सकती है। कल वाले एग्जाम में पेरेन्काइमा पूछा जा सकता है। पेरेन्काइमा की सेलुलोज की बनी हुई है दोस्तों, याद रख लेना। लेकिन दर्डों तक की दोस्तों लिग्निन की बनी होती है। किसकी? लिग्निन की। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। तभी तो दोस्तों ये जो दर्डों तक है इसकी सारी कोशिकाएं मृत होती है। कैसी होती है? मृत होती है, याद रख लेना। ठीक है, क्या मैं सही कह रहा हूँ मेरे प्यारे साथियों? आज खुश तो बहुत होंगे आप, ठीक है ना। और एक और दोस्तों, साइकोलॉजी नहीं आई, ये बहुत ही जो है मेरे दोस्तों सुकून भरी बात है। अगर साइकोलॉजी आ जाती तो मेरे साइंस के विद्यार्थियों को बड़ी पीड़ा होती, मुझे मालूम है। ठीक है, बहुत ही अच्छे दोस्तों। अब आज तो आप सिद्ध कर दो ना कि आपको अगर वास्तव में बायोलॉजी पढ़ने में मजा आया है इन पिछले 5 महीनों में, तो आज इस जानकारी को शेयर कर दीजिए दबा करके दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? ठीक है, देखिएगा मेरे लाडलो। ठीक है, फिजिक्स और बायो के एक साथ क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, ये देखो। ठीक है, फोटोसिंथेसिस। बच्चों ने कहा था सर फोटोसिंथेसिस तो अंगुलियों पे हो गया ऐसे याद। ठीक है, याद हो गया तो आंसर दो फटाफट। ये लो क्या लिखा हुआ है, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक। अरे वाह भैया, क्या ये पेपर विजय एजुकेशन में बना है क्या? ठीक है ना, क्या पेपर अपने यहाँ पर टाइप हुआ है क्या? हाँ बिल्कुल टाइप हुआ है, और मेरे साइंस के विद्यार्थियों ने टाइप किया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक, प्रकाश संश्लेषण का मुख्य वर्णक मेरे को मालूम है सर, तो बता दो। दुनिया में हर एक प्रकाश संश्लेषण करने वाला पादप क्लोरोफिल ए रखता है, क्लोरोफिल ए रखता है, चाहे वो प्रोकैरियोट भी क्यों ना हो, साइनोबैक्टीरिया भी क्यों ना हो, क्लोरोफिल ए तो रखना ही होगा। बिना क्लोरोफिल के आप फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। वास्तव में बच्चों मजा आ गया। तो देखिएगा, तो क्या इस बार कल के पेपर में यह आ सकता है क्या, क्लोरोफिल के संश्लेषण के लिए किसकी जरूरत होती है? मैग्नीशियम की, याद रख लेना। बिल्कुल याद रखेंगे सर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलें क्या? हाँ देखिएगा, क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों, हिंदी इंग्लिश दोनों साथ में दिखा रहा हूँ, और हर एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट टाइप भी आप दिखाते रहें। ठीक है, क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स पार्ट इन गार्लिक एंड ऑनियन आर ईडिबल। दोस्तों ईडिबल पार्ट, खाने योग्य भाग, किसका खाने योग्य भाग? लहसुन और प्याज का। लहसुन और प्याज में दोस्तों खाने योग्य भाग कौन सा होता है, कौन सा भाग आप लहसुन और प्याज का खाते हैं? देखो दोस्तों, मैंने एक इस तरह का डायग्राम बनाया था, अगर किसी को याद हो तो मैराथन क्लास में, मैंने मैराथन क्लास में इस प्रकार का एक फिगर बनाया था, और उस फिगर के अंदर अगर किसी को याद है तो मैंने उस फिगर में एक चीज बताई थी। मैंने ये कहा था कि ये जो चीजें आपको दिख रही है ना, ये प्याज की पत्तियां हैं। ठीक है ना, ये मसल पत्तियां हैं। किस तरह की? मसल पर्ण है, इसको हम खाते हैं। और ये नीचे वाला जो भाग है ना, ये बल्ब के जैसा, ये तने का रूपांतरण है। किसका? तने का। और इसके नीचे ऐसी छोटी छोटी क्या पाई जाती है? मूल पाई जाती है। तो खाने योग्य भाग मूल थोड़ी ना है, बिल्कुल भी नहीं है, तना भी नहीं है। तो खाने योग्य भाग क्या है? खाने योग्य भाग है दोस्तों मसल सल्क पर्णे। क्या? मसल सल्क पर्णे, याद रख लोगे क्या? बिल्कुल रखेंगे सर। इसका मतलब क्या? फ्लेसी स्केल लीफ एडिबल पार्ट इन गार्लिक एंड ऑनियन। वेरी नाइस, वेरी नाइस मेरे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जानकारी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे से शाबाश। क्या बच्चों आपने ये राइट किया है? मेरे जो विजय एजुकेशन के लाडले हैं वो कभी गलत कर ही नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने इस लाइव क्लास में ये सारी चीजें पढ़ी थी। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ये वो क्वेश्चन है, ठीक है, जिसके ऊपर मैं स्टार बना रहा हूं। कौन सा क्वेश्चन है? देखो तो, द टर्मिनल बड ऑफ टी प्लांट आर कोल्ड। ठीक है दोस्तों, ये ग्रेजुएशन से क्वेश्चन दिया गया है, ये दोस्तों क्वेश्चन ग्रेजुएशन से दिया गया है। ठीक है ना, और इस क्वेश्चन में वैसे नॉर्मली दोस्तों गोल्डन टिप हो सकता है, बट मैं इसके ऊपर स्टार बना रहा हूं। इस क्वेश्चन को हम छोड़ रहे हैं दोस्तों, और लास्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसलिए अपन सीधा आगे बढ़ेंगे और अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है ये,
द डग फंजाई इज कोल्ड। फंजाई में ये चीजें दोस्तों हम पढ़ते हैं, डग फंजाई का मतलब है गोबर पर उगने वाला फंजाई। गोबर पर, गोबर, गोबर के लिए शब्द कौन सा यूज में लेते हैं, कोप्रो, ठीक है ना, तो इसको कहेंगे क्या, कोप्रोफिलस। क्या कहेंगे दोस्तों, कोप्रोफिलस, याद रख लोगे क्या, बिल्कुल रखेंगे सर। कोप्रोफिलस किसको कहेंगे, ऐसी फंजाई जो गोबर पर उगती है, ठीक है, बहुत ही क्या बात है। योगेश कह रहा है सर मेरा बायोलॉजी में सिर्फ एक ही क्वेश्चन गलत हुआ है, वाह दोस्तों वाह, आज वास्तव में बच्चों बहुत मजा आ रहा है, ठीक है ना, आज बहुत खुश हूं मैं क्योंकि बच्चों के 99% तक क्वेश्चन सही हुए हैं। दोस्तों एक दो क्वेश्चन या दो तीन क्वेश्चन अगर गलत हो जाए फर्क नहीं पड़ता भैया, ठीक है ना, दो तीन क्वेश्चन तो वैसे ही गलत हो सकते हैं, आते हुए भी कई बार हड़बड़ाहट में गलत हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने कल आपको बोला था, मैंने कहा पहले बायो करना और अगर बायो करोगे कॉन्फिडेंस का लेवल हाई होगा, और मेरे दोस्तों आपके सामने है ये बायो, अंगुलियों पे हमने तैयार करी थी, ठीक है, बहुत ही अच्छे, शाबाश मेरे लाडलो, बहुत ही बढ़िया, ठीक है ना। अब देखिएगा आगे बढ़े क्या, बिल्कुल सर, अब देखिएगा, अब दोस्तों कितने आसान क्वेश्चन है भैया, हद कर दी इन्होंने, क्या क्वेश्चन दिया देखो सर, एडिबल रूट आर फाउंड इन, खाने योग्य जड़ें पाई जाती है, ठीक है मेरे दोस्तों, ये क्वेश्चन देखो कितना आसान है, खाने योग्य जड़। अब आप ही मुझे बता दो कि जड़ वाला भाग किस, आलू जड़ है क्या, आलू बिल्कुल भी नहीं, अदरक बिल्कुल भी नहीं, चावल बिल्कुल भी नहीं। ऑप्शन दोस्तों इतने दूर दूर के दिए हैं, इस बार तो अधीनस्थ बोर्ड ने मेरे दोस्तों, ठीक है ना, दिखा दिया है कि वास्तव में जो है साइंस के विद्यार्थियों को जो है लेब असिस्टेंट बना करके रहना है, ठीक है। अब देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, शकरकंद, याद रख लेना, स्वीट पोटेटो, ठीक है ना, एडिबल रूट का एग्जांपल है, याद रख लेना, बिल्कुल सर, ठीक है, आगे बढ़े क्या। और अगर आलू के बारे में पूछते तो आलू क्या है, तना, याद रखो, बिल्कुल ठीक है। अब देखो दोस्तों ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कल की क्लास में पढ़ाया था मैंने, कौन सा पढ़ाया था मालूम है, मैंने पढ़ाया था बीटी कॉटन के बारे में, वहां पर मैंने इसकी भी बात करी थी साथ ही साथ, क्या नाम लिखा है, एग्रोबैक्टीरियम कोजेस डिजीज, एग्रोबैक्टीरियम, वेरी वेरी मोस्ट, ठीक है दोस्तों, एग्रोबैक्टीरियम नाम सुना है, पूरा नाम बताओ सर, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियस, पूरा नाम क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस, ठीक है ना, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस के अंदर एक प्लाज्मिड होता है, उसका नाम है टीआई प्लाज्मिड, क्या नाम है दोस्तों उसका, टीआई प्लाज्मिड। ये जो टीआई प्लाज्मिड होता है मेरे लाडलो, ये क्या करता है दोस्तों, ये जो टीआई प्लाज्मिड है, क्या, ये जो टीआई प्लाज्मिड है मेरे साथियों, याद रख लेना, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, ये टीआई प्लाज्मिड ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है, ये पौधों के अंदर, कौन से पौधों में, डायकोट पौधे जो होते हैं, द्विबीजपत्री पौधे, उनमें दोस्तों कैंसर उत्पन्न करता है, वैसे कैंसर जंतुओं में होने वाला रोग है, लेकिन पौधों में ये ट्यूमर उत्पन्न करता है दोस्तों, याद रखें इस बात को, ठीक है कि नहीं है, बिल्कुल सर ये बात हम याद रख लेंगे, कहीं कोई दिक्कत है नहीं है, तो एक तरह से क्राउन गोल उत्पन्न कर रहा है, ठीक है ना, ओके आगे बढ़े क्या, बिल्कुल बढ़िएगा सर, ठीक है। अब मेरे लाडलो आगे बढ़े, ठीक है, हाँ उधर चला गया का, इसके बाद में दोस्तों यहां पे बात किसकी करेंगे, इसके बाद में सर अपन बात करेंगे, हाँ ये लीजिएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना, तो यहाँ गड़बड़ की संभावना है और यहाँ गड़बड़ हो सकती है, पहले हिंदी वाला क्वेश्चन शायद मेरे ये पढ़ने में नहीं आ रहा, मैं बोर्ड के बहुत नजदीक हूँ, बाकी आपको पढ़ने में जरूर आ रहा होगा, एक बार शेयर कर दो दबा करके, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है क्राय सेकेंड ए बी और क्राय फर्स्ट ए बी, ऐसे जीव विष उत्पन्न करते हैं जो क्रमशः नियंत्रित करते हैं। मेरे दोस्तों क्राइजीन किसके अंदर होता है, क्राइजीन होता है बेसिलस थुरिंजियंसिस नाम के एक बैक्टीरिया में, ये तो बात आप मानते हो, बिल्कुल मानते हैं, बेसिलस थुरिंजियंसिस नाम का जो ये जीवाणु है, बेसिलस थुरिंजियंसिस नाम का ये जो बैक्टीरिया है दोस्तों, इस बैक्टीरिया का क्राइजीन एक जहरीली प्रोटीन
कूटलेखित करता है और वो कुछ पीड़कों के ऊपर हमला करती है। तो देखिएगा जो आपका क्राई सेकंड एबी है, क्या दोस्तों, क्राई सेकंड एबी जीन जो है, कौन सा, क्राई सेकंड एबी, ये जीन आपका कपास का जो गोल जो सलभ क्रमी है दोस्तों उसके विरुद्ध काम करता है। ठीक है, आपने जो बीटी कॉटन बनाया था ना, बीटी कॉटन, उस बीटी कॉटन बनाने के लिए हमने यही जीन काम में लिया था, क्राई सेकंड ए बी। कौन सा लिया था, क्राई सेकंड ए बी जीन काम में लिया था। और क्राई फर्स्ट ए बी जो है ये दोस्तों मक्का सेदक जो कीट होता है उसके विरुद्ध काम करता है। बिल्कुल सर, यहां तक बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई। अगले क्वेश्चन पे चलें क्या? बिल्कुल भैया, देखिएगा मानव शरीर के किस भाग में यूरिया का संश्लेषण होता है, कितना आसान है। यूरिया सिंथेसिस ऑफ यूरिया अकर इन विच पार्ट ह्यूमन बॉडी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी अपने आप में, मेरे लाडलो आज जो हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा लेट जुड़े तो कोई नहीं, एक बार शेयर कर दीजिए दबा के दोस्तों, एक बार शेयर कर दीजिएगा। और विजय एजुकेशन पर लेब असिस्टेंट में इस बड़ी सफलता के बाद दोस्तों अपन एलडीसी का बेच शुरू कर रहे हैं, 7 जुलाई को अपन बेच लॉन्च करेंगे और बहुत जल्द उसकी क्लासें भी शुरू कर देंगे। तो एप्लीकेशन के ऊपर आपको 7 जुलाई से लेब असिस्टेंट का ऑनलाइन बेच मिलेगा, ठीक है, बहुत ही अच्छे। तो दोस्तों कहाँ पर बनेगा यूरिया, अब बात को समझोगे तो समझ आ जाएगी। सर यूरिया जो है, ठीक है ना, हमारे सेल के अंदर तो अमोनिया बनता है, क्या बनता है, अमोनिया। हमारे कोशिका के अंदर मेटाबॉलिज्म से क्या बना, अमोनिया। अमोनिया कहाँ आ गया, लीवर में, लीवर में आके किस में बदल गया, यूरिया में। आप ही मुझे बताओ यूरिया कहाँ सिंथेसाइज हुआ, लीवर में। यूरिया कहाँ सिंथेसाइज हुआ, लीवर में। कहीं पर लिखा हुआ है क्या, बिल्कुल लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी, लीवर, ठीक है ना। बहुत से बच्चे यहां किडनी सही कर रहे होंगे या मूत्रा से सही कर रहे होंगे। दोस्तों यूरिनरी ब्लैडर के अंदर कभी भी यूरिया स्टोर नहीं होता, यूरिनरी ब्लैडर में तो यूरिन स्टोर होता है, मूत्र स्टोर होता है, याद रख लेना। और किडनी तो दोस्तों ब्लड को फिल्टर करके और यूरिन को रिलीज करवाती है, यह बात याद रखो, ठीक है ना। हाँ ठीक है, बहुत ही अच्छे। मिस्टर सरवण पूनिया, विक्रम जाट, राधे राधे, उमेश कुमार, महिपाल यादव, दीपशिका सिंह, कुंदन कुमार, रीना, अनुष्का वर्मा, जुड़ते जाइएगा दोस्तों और शेयर करते रहिएगा ये डिटेल, बहुत ही अच्छे, वेरी नाइस मेरे साथियों। आपने जो भरोसा दिखाया, आपने जो भरोसा दिखाया विजय एजुकेशन पर, विजय एजुकेशन की टीम ने दोस्तों सिद्ध कर दिया। जीके के अंदर भी पूरा का पूरा पेपर हमारे जीके की टीम ने दोस्तों जिस तरह से नोट्स दिए, मॉक टेस्ट लिए, उसी के अंदर से बहू आया। और ऐसा ही साइंस में हुआ दोस्तों, देख सकते हैं आप बायो के अंदर आपके सामने ये जो क्वेश्चन बता रहा हूं, कई बार मॉक टेस्ट में, मैराथन क्लास में करवा चुका हूं, ठीक है ना। अब देखिएगा अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मसालों का राजा, मसालों का राजा बचपन का क्वेश्चन है, क्या बचपन का, कैसे, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, दसवीं, इन क्लासों में आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन तो कोई भी बच्चा कर सकता है, ठीक है ना दोस्तों। मसालों का राजा किसको कहेंगे, ब्लैक पेपर को कहेंगे, काली मिर्च को कहेंगे, किसको, काली मिर्च दोस्तों मसालों का राजा कहलाती है, याद रख लेना, ठीक है, बिल्कुल सर। इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये देखिएगा, कल की क्लास में ये क्वेश्चन करवाया, कुछ स्टूडेंट कह रहे थे सर हम बस में जा रहे थे और चलते चलते हमने ये क्लास देखी थी YouTube पर, तो देख लो इस क्लास का ये फायदा आपके सामने, ठीक है। ये कल वाली क्लास में डिस्कशन किया था, रेखित पेशी में संकुचन की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई कौन सी है, स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रेक्शन स्ट्राइटेड मसल्स इज, मेरे दोस्तों हमारी जो स्ट्राइटेड मसल्स होती है, यह जैसे हाथ में रेखित पेशी, यह गर्दन में रेखित पेशी, ठीक है ना दोस्तों। तो रेखित पेशियां वे होती है जिनमें दोस्तों हम इच्छा अनुसार गति करवा सकते हैं, मेरे प्यारे लाडलो याद रख लेना। इन रेखित पेशियों के अंदर जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ऐसी परिस्थिति में ये बीच में यहाँ पे कौन है, मायोसिन, और इन मायोसिन के बाहर इस तरह से एक जेड लाइन होती है और जेड लाइन पर इस तरह से एक्टिन का तंतु लगा होता है, ये एक्टिन का तंतु लगा हुआ है, ठीक है। और ये एक दोस्तों मायो
फिलामेंट है, ठीक है ना। तो इसमें एक्टिन और मायोसिन नाम की प्रोटीन है, ठीक है ना। मायोसिन जो है वो मेरे दोस्तों थिन फिलामेंट है, सॉरी थिक फिलामेंट है, जबकि एक्टिन जो है वो थिन फिलामेंट है। मेरे प्यारे लाडलो, दो जेड लाइन के बीच का एरिया सार्कोमियर कहलाता है। जब मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो सार्कोमियर की जो जेड लाइन है वो पास पास आएगी, याद रख लेना, ठीक है ना। तो अपना जो सार्कोमियर है ना मेरे दोस्तों, वही अपनी मसल्स की कैसी यूनिट है। सार्कोमियर इज ए स्मॉलेस्ट फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्ट्राइटेड मसल्स। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रख लेना, ठीक है। आगे बढ़े क्या? बिल्कुल बढ़िएगा सर, क्यों नहीं, ठीक है। सार्कोमियर की तो बात हो ही गई सर, ठीक है। तो सर ये पुलिका क्या है? अरे पुलिका तो भैया पेशी कोशिकाओं का समूह है, गड़बड़ मत कर देना, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, फिर कहोगे बोला नहीं। और बच्चों आसानी से क्वेश्चन करेंगे, कोई बस थोड़ी ना निकल रही है। और मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं लेब असिस्टेंट के, वो बस में या ट्रेन में बैठ चुके हैं और घर के लिए रवाना हो चुके हैं। कानों में ईयरफोन लगा देना और दोस्तों क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते रहना, ठीक है। ये विजय एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपके लिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेके आया है। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको ये क्वेश्चन समझाए जा रहे हैं, देखिएगा। रेसरपिन ए ड्रग्स इज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, दोस्तों रेसरपिन, पेपेवरिन, सोमनीफेरिन, ठीक है ना, कोडीन, ठीक है, ये कुछ ड्रग्स है दोस्तों। ड्रग्स और एल्केलॉइड से ये क्वेश्चन आया है वैसे तो, ठीक है। वैसे आर्थिक महत्व के पादप, उनमें भी ये क्वेश्चन दिया हुआ है, 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है ये, ठीक है दोस्तों। देखिए रे सरपिन, सरपिन नाम आ रहा है, सरपिन कैसा नाम आ रहा है अंदर, सरपिन, रे सरपिन, सरपेंटाइना, राउलेपिया सरपेंटाइना, याद क्या रखना है, राउलेफिया सरपेंटाइना, कहीं लिखा हुआ है राउलेफिया सरपेंटाइना? हाँ सर बिल्कुल लिखा हुआ है। कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी में। इससे क्या प्राप्त होती है दोस्तों? रेसरपिन। आगे बढ़े का, बढ़ो सर, ठीक है। अब देखिएगा मेरे प्यारे लाडलो, ये क्वेश्चन कौन सा है? अरे वाह, हूबहू सीधा क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट अपनी क्लास से। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट मैच्ड, ठीक है दोस्तों। अभी तक मैंने ये ऑप्शन ढंग से देखे भी नहीं है, डायरेक्ट मेरे दोस्तों सॉल्यूशन के लिए आया हूं। मुझे पूरा भरोसा है कि मैंने जो पढ़ाया है उसमें से 99% चीजें जरूर आई होगी, और अगर कोई एकाध प्रश्न, एकाध क्वेश्चन दोस्तों दाएं बाएं हो सकता है, ठीक है ना। बहुत ही अच्छे, वेरी नाइस, ठीक है। रोशनी, विश्वकर्मा, अविनाश, अनुष्का, राधा, श्रुति, अक्षित, रीना, मयंक, मोना शेखावत, ठीक है, एक नोटिफिकेशन जरूर डाल देना। अब देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट मैच्ड। देखिए मेरे दोस्तों, यहाँ पे इसने कुछ बातें बताई है, ठीक है ना। कुछ लोग कन्फ्यूज हो सकते हैं, इसलिए मैं प्रश्न को हल्का सा समझा दूँ। दोस्तों हमारे शरीर में जो सिलोम होती है ना, सिलोम जो है वो मीजोडर्म नाम के जनन स्तर से बनती है। मीजोडर्म नाम का एक जनन स्तर होता है, उससे देह गुहा बनती है, सिलोम बनती है। इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। अब देखिएगा मेरे लाडलो, सिलोम जो है वो दो तरह की होती है, ट्रियुकेविटी। देखो इस पृथ्वी के ऊपर मेरे दोस्तों जो जंतु है ना, उन जंतुओं में सबसे पहले अगर किसी में रियल ट्रियु अगर सिलोम बनी तो वो एनीलिडा था, याद रख लेना। एनेलिडा से लेकर के कोर डेटा तक सभी के पास में वास्तविक देह गुहा होती है, ट्रियु सिलोम होती है, याद रख लो ये बात पहली तो, ठीक है। जबकि दोस्तों सबसे पहले आपका जो प्लेटी हेलमंथीज है वो ए सिलोमेट है, उसमें देह गुहा नहीं होती। एस के हेलमंथीज जिसे निमेटो हेलमंथीज कहते हैं, वो आपका स्यूडो सिलोमेट होता है, उसमें आभासी देह गुहा होती है। पहली बार वास्तविक देह गुहा किस में देखने को मिली? एनेलिडा। अब जो देह गुहा है वो दो तरह की होती है दोस्तों, एक साइजोसिलोम, एक एंटेरोसिलोम। एक तो कैसी होती है? साइजोसिलोम, साइजो, और दूसरी कैसी होती है? एंटेरो, एंटेरो। एंटेरोसिलोम को क्या कहेंगे अपन, ठीक है ना, एंटेरोसिलोम को क्या कहोगे हिंदी में, ठीक है? एंटेरो का क्या नाम है भैया हिंदी में, देखिए, देखें, एंटेरोसिलोम को बोलते हैं आंतरीय गुहा। क्या कहते हैं? आंतरीय गुहा,
ठीक है ना दोस्तों। और साइजो सिलोम को कहते हैं दीर्ण गुहा, दीर्ण गुहा। मैंने इसकी एक ट्रिक बताई थी अगर आपको याद हो तो, मैंने क्या ट्रिक बताई थी मालूम है, मैंने ट्रिक बताई थी आम, क्या बताई थी आम, मैंने कहा था एने लिडा आर्थ्रोर पोडा और मोलस्का, इन तीनों के पास साइजो सिलोम होती है, और मैंने एंटेरो सिलोम में कहा था इक इक, ठीक है ना, यानी इकाइनो डरमेटार हेमी कोरडेटार कोरडेटा, इनके पास एंटेरोसिलोम होती है। अब इसने कहा कौन सा सुमेलित नहीं है, गलत कथन का चुनाव करना है। देखो आर्थ्रोरपोडा, आर्थ्रोरपोडा में क्या एंटेरोसिलोम होती है, देखो आर्थ्रोरपोडा एनी लिडार मोलस्का इनमें साइजोसिलोम होती है, जबकि इधर इसने क्या कहा एंटेरो, पहला ही पहला ऑप्शन रॉन्ग है, पहला ही पहला रॉन्ग है, जबकि देखो एने लिडा इसमें साइजोसिलोम सही है, निमेटो एलमंथीज में स्यूडो सिलोमेट होते हैं ये सही है, प्लेटी एलमंथीज ए सिलोमेट होते हैं ये सही है, ऑप्शन नंबर ए कोई चुनौती नहीं दे सकता इस क्वेश्चन का, ए राइट होगा, कोई चुनौती नहीं दे सकता मेरे दोस्तों, मुझे मालूम है मेरे दोस्तों, क्योंकि आपका भरोसा आपका विश्वास जो है वो चुनौती जैसी परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होने देगा, ठीक है, वेरी गुड मेरे दोस्तों। एक बार एक शेयर और लाइक बनता है मेरे दोस्तों, अगर आपको मजा आ रहा है तो एक बार सभी स्टूडेंट एक साथ इस क्लास को लाइक करेंगे और साथ ही साथ अपने स्टेटस पर डाल दीजिए, आज मेरे राजस्थान के हर एक भाई बहन को ये जो क्लास है, साइंस के हर एक स्टूडेंट को ये क्लास मिल जानी चाहिए, यह सोल्यूशन मिल जाना चाहिए, ठीक है। राजस्थान ही नहीं, यूपी बिहार एमपी हरियाणा पंजाब किसी भी स्टेट का बच्चा साइंस का हो तो उसके लिए ये क्वेश्चन साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आगे बढ़े क्या, बढ़िए सर, तो इसका ए राइट हो ही गया, बिल्कुल हो गया सर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलें का, अरे वाह दोनों क्वेश्चन बड़े इजी है, पहले कौन सा करें, पहला ये कर लो सर, ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन तो ये वाला है जो कल आपने सर करवाया था, ये क्वेश्चन कल करवाया था का, बिल्कुल करवाया था, देख लो YouTube पे वीडियो कल का डला हुआ है, ठीक है। विच हार्मोन इज सिंथेसाइज एंड रिलीज बाय द लीडिंग सेल, लीडिंग सेल के द्वारा कौन सा हार्मोन संश्लेषित एंड श्रावित होता है, लीडिंग सेल पहले तो होती कहां है ये जान लो, बिल्कुल सर, ठीक है जान लेते हैं सर जी, ठीक है। लीडिंग सेल जो है कौन सी आपकी, लीडिंग, लीडिंग सेल जो है सर वो हमारे टेस्टिस में होती है, हमारे वृषण में होती है, ओके। लीडिंग सेल के द्वारा तो सर टेस्टोस्टेरोन का श्रावण होता है, ठीक है सर, यहाँ तो टेस्टोस्टेरोन है ही नहीं, यहाँ तो एल्डोस्टेरोन है, यहाँ तो एस्ट्रोजन है, यहाँ तो एंड्रोजन है, अब सर क्या करें। तो मैंने कल एक बात बताई थी मेरे लाडलो, मैंने कहा था कि टेस्टोस्टेरोन को ही एंड्रोजन कहते हैं, क्या कहते हैं एंड्रोजन, मैं हमेशा ये बातें बताता हूँ, ये बातें बहुत छोटी होती है, लोग इनकी तरफ ध्यान नहीं देते, लेकिन मैं अक्सर ये चीज़ें बताता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि बच्चों एक होता है एंड्रोजन एक होता है एस्ट्रोजन, ये दो नाम ज़रूर मैं बताता हूँ दोस्तों। एस्ट्रोजन जो है वो महिलाओं के अंडाशय से स्रावित होता है, फीमेल की ओवरी से सीक्रेट होता है, जबकि जो एंड्रोजन है वह दोस्तों टेस्टोस्टेरोन का ही एक टाइप कह दो, या एंड्रोजन एक बड़ा ग्रुप है और उस ग्रुप का एक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, तो टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन दोनों एक ही बात है, ठीक है ना। तो कहाँ लिखा हुआ है एंड्रोजन, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर है होगा, एंड्रोजन इज राइट आंसर। एंड्रोजन कौन रिलीज करेगी, लीडिंग कोशिका, लीडिंग सेल को ही अंतराली कोशिका भी कहते हैं, इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं, और जानते हो ये लीडिंग सेल जो है टेस्टोस्टेरोन कब रिलीज करती है, जब हमारी पीयूष ग्रंथि, जब हमारी पीयूष ग्रंथि कौन सा हार्मोन डालती है LH, पीयूष ग्लैंड का, पीयूष ग्रंथि का ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन जब स्रावित होगा तो ये जो लीडिंग कोशिका है ये आपकी एक्टिवेट हो जाएगी और ये एक्टिवेट होकर के एंड्रोजन को रिलीज करेगी। याद रख लोगे एक नहीं रख लोगे, बिल्कुल रखेंगे सर, ये मेल सेक्स हार्मोन है, ये कैसा हार्मोन है, मेल सेक्स हार्मोन है, वेरी नाइस, शाबाश क्या बात है, ठीक है। अक्षिता
सर आप नीट की प्रिपरेशन करवा दीजिएगा, बिल्कुल करवाएंगे, बहुत जल्द क्लास लेकर के आएंगे, लेकिन अभी जिन बच्चों की जिम्मेदारी ले रखी है उन बच्चों की जिम्मेदारी पूरी करनी ज़रूरी है। मेरे नर्सिंग के बड़ी भारी संख्या में विद्यार्थी विजय एजुकेशन ऐप पर एक भरोसा करके जुड़े हैं, पहले उनके भरोसे पर अपन खरा उतरते हैं, ठीक है ना। और दोस्तों आगे हमेशा मैं मेरे साइंस के विद्यार्थियों के साथ रहने वाला हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है, आगे बढ़ें क्या बढ़िएगा सर, ठीक है दोस्तों। और मैं जिस अंदाज में आपको ये पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ आप देख लेना दोस्तों, यूट्यूब प्लेटफॉर्म और भी बहुत होंगे, ठीक है ना, लेकिन बहुत से क्वेश्चनों को बाईपास किया जाएगा आप देख लेना, लेकिन यहाँ हर एक क्वेश्चन का मेरे दोस्तों विश्लेषण मिल रहा है, ठीक है। एट ए टाइम एक तरफ से पेपर आया, दूसरी तरफ से बोर्ड पे लगा और सॉल्यूशन शुरू। मेरे दोस्तों ये सब आपकी ताकत है, मेरे दोस्तों आपका विश्वास है, आपका भरोसा है, ठीक है। अब सुनिएगा, अब इस क्वेश्चन का क्या जवाब दोगे बताओ देखें, अब इसका क्या जवाब होगा बताओ देखें, फिर कहोगे सर आपने बताया नहीं। गोल्डन राइस डेवलप थ्रू ट्रांसजेनिक अप्रोच इज एनरिच विथ गोल्डन राइस, नाम तो सुना है सर, बिल्कुल सुना है, आपने बताया था गोल्डन राइस फ्लेवर सावर पोमेटो डोली रोजी, नाम बताए थे ना, बिल्कुल बताए थे। तो सर जी इतना बता दो कि ये जो गोल्डन राइस है ने, ये है तो एक तरह का चावल भाई, गोल्डन राइस एक प्रकार का चावल ही तो है सर, नॉर्मली चावल एक प्रकार का अनाज होता है और अनाज में तो सर कार्बोहाइड्रेट होता है भाई, अनाज में क्या होता है कार्बोहाइड्रेट होता है, तो सर इस गोल्डन राइस में क्या होगा फिर। गोल्डन राइस के अंदर दोस्तों विटामिन ए पाया जाता है, क्या विटामिन, दोस्तों आपको तो पता ही है विटामिन शरीर के अंदर बड़ी आसानी से आप ले नहीं सकते, एक व्यक्ति को रतौंधी की दिक्कत है, नाइट ब्लाइंडनेस की, उसे कौन सा चावल खिलाओगे, गोल्डन राइस 2 किलो खिला दो व्यक्ति को रात को, तो क्या दोस्तों कितना भी अंधेरा हो वो एक बार चांद के दक्षिणी ध्रुव पर भी चला जाएगा, वहां पर भी उसे दिखाई देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अगर जाने की इच्छा हो तो कितने किलो गोल्डन राइस साथ में लेके जाने हैं, 2 किलो, याद रख लेना, विटामिन ए इसमें उच्च मात्रा में होता है। दोस्तों मैंने तो मंगवा लिया है गोल्डन राइस, आप भी मंगवा लो मेरे प्यारे साथियों, आगे बरे का बरोसर, ठीक है ना। अब सुनिएगा, तो सर ये एल्डोस्टेरोन क्या है, कुछ बच्चे इस पर विवाद कर देंगे, नहीं 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 सर आपने गलत बता दिया, ये एंड्रोजन नहीं होगा, ये तो एल्डोस्टेरोन होगा, भूल हो गई आपसे, भूल नहीं हुई, क्यों दोस्तों, ये जो एल्डोस्टेरोन है ये हमारे एड्रिनल कॉर्टेक्स से, ठीक है ना, एड्रिनल कॉर्टेक्स, क्या एड्रिनल कॉर्टेक्स से सीक्रेट होता है, किससे एड्रिनल कॉर्टेक्स से स्रावित होगा मेरे प्यारे लाडलो। आज आप बच्चों के लिए, ठीक है, सुबह दोस्तों करीब करीब हम 8 बजे से स्टूडियो में आकर के बैठ गए थे, पहले से आपके लिए हम तैयारी कर रहे थे कि बच्चों का जीके का पेपर आएगा सॉल्व करवाएंगे, फिर साइंस वाला पेपर आएगा सॉल्व करवाएंगे। हमारी टेक्निकल टीम के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टाफ है जो सुबह से कुछ उन्होंने खाया पिया नहीं है, ठीक है ना मेरे दोस्तों, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो आज कर नहीं पाए हैं, ठीक है ना, जैसे कि योग है, प्राणायाम है, ठीक है ना, मॉर्निंग वॉक है, आज उनकी सब कुछ पीछे रह गई, ठीक है ना दोस्तों। मिस्टर हमारे एक हनुमान जो है टेक्निकल पर्सन है, वो आज जो है सुबह से यहीं बैठे हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो ये आप सबका कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी थी, उसको पूरा करने के लिए, ठीक है, अपनी टीम यहाँ पे हम आज जो है स्टूडियो में रही, आपके इनक्यूशन को तैयार किया। अब देखिएगा, तो एल्डोस्टेरोन एड्रिनल के कॉर्टेक्स से स्रावित होता है, एड्रिनल के कॉर्टेक्स से दोस्तों 3 प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, मिनरलो कॉर्टिकोइड, ग्लूको कॉर्टिकोइड और सेक्स कॉर्टिकोइड। मिनरेलो कॉर्टिकोइड में शामिल होता है एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन किस तरह का हार्मोन है, मिनरेलो
कॉर्टिकोइड। अब तो समझ गए मिनरलो कॉर्टिकोइड जो है वो नेफ्रॉन की डीसीटी, नेफ्रॉन की डीसीटी में जो खनिज होता है, जो खनिज आयन होते हैं उनके पुनः अवशोषण को बढ़ाता है। पुट्टी का उत्तेजक हार्मोन इसको FSH कहते हैं। ये तो दोस्तों पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होगा। कौन सी ग्रंथि के द्वारा? पीयूष के द्वारा। ओके, एस्ट्रोजन जो है दोस्तों ये तो अंडाशय के द्वारा स्रावित होता है, अंडाशय की पुट्टिका के द्वारा, अंडाशय की फोलिकल के द्वारा। और एंड्रोजन जो है वो वर्षण की लीडिंग सेल के द्वारा स्रावित होगा। अब तो बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अब कोई विवाद करेगा तो जवाब दे दोगे ना? बिल्कुल दे देंगे सर, ठीक है। वैसे तो मुझे पूरा भरोसा है बच्चों, ठीक है ना। अब देखिएगा ये लो, अब बच्चे की जान लोगे का, ये किस तरह का क्वेश्चन है जरा देखना। तो अब आंसर आप खुद ही दे दो, कितनी बार पढ़ाया है, कितनी बार ये क्वेश्चन पढ़ाया है मैंने आपको, आंसर दो देखें, ठीक है ना। जल्दी बता दो क्वेश्चन क्या है, ठीक है। बहुत ही अच्छे मेरे लाडलो, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, ठीक है, बहुत ही अच्छे। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं एक बार शेयर कर दें इस जानकारी को, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के MCQ भी करवाएंगे, ठीक है। लाली कुमारी, इसके अलावा पल्लवी वर्मा, इसके अलावा श्रुति गिरी, ठीक है, इसके अलावा मनु, श्रवण पूनिया, ठीक है, आरू, रोशनी विश्वकर्मा, अनुष्का, सुमन कुमारी, उमेश कुमार, ठीक है, पवन हुड्डा, ठीक है, सोनाली पवार, इलू मीणा, ठीक है, इसके अलावा सोनू, सुरेश चौधरी, साधना शर्मा, सोहन बिश्नोई, नूर मोहम्मद, MD किंग डॉक्टर, चंदन कुमार, मनीष सिंह। शेयर करते जाइए बस दोस्तों इस लिंक को अपने दोस्तों तक, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन कि द कंपल्सरी है या मेरे दोस्तों ये मुझे पढ़ने में नहीं आ रहा है, ठीक है। एक द कन्फर्मेशन टेस्ट फॉर टाइफाइड फीवर, दोस्तों टाइफाइड फीवर को कन्फर्म करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? टाइफाइड के लिए, टाइफाइड की जांच के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं मेरे प्यारे लाडलो? टाइफाइड की कर लो जांच तो टेस्ट कर लो विडाल। कौन सा? विडाल। विडाल टेस्ट किसके लिए? टाइफाइड के लिए। तो सर एलिजा टेस्ट किसके लिए? एड्स के लिए। और CBC का मतलब जानते हो? काउंट ऑफ ब्लड सेल। डॉक्टर पर्ची पे लिख दे CBC, इसका मतलब हो गया आपके ब्लड वाली रिपोर्ट। आप खून की जांच कराते हो, ब्लड की रिपोर्ट कराते हो ने, वो तो डॉक्टर पर्ची पे CBC लिखता है, देखा होगा आपने, बिल्कुल सर देखा है, ठीक है ना। बाकी ये वेस्टर्न ब्लॉट हैं, एलिजा है, ठीक है, ये एड्स वगैरह के डायग्नोस में ये की जाती है, ठीक है ना। ये एंटीजन एंटीबॉडी आधारित जांच है, ठीक है सर। तो इसका आंसर क्या होगा? विडाल टेस्ट। टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट? विडाल टेस्ट। ओके सर, ये क्वेश्चन तो बहुत मोस्ट लग रहा है। बिल्कुल क्यों नहीं लगेगा, हमने आई को लेकर बात की थी याद करो, मैंने आयरिस और प्यूपिल की बात की थी याद करो, ठीक है ना, बात की थी ना। पहले एक नेत्र का हल्का सा डायग्राम बना लोगे ना तो सब कुछ समझ आ जाएगा, सब कुछ समझ आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों, ये आपकी नेत्र मान लो, ये आपकी क्या है? नेत्र है मेरे लाडलो, ठीक है सर, समझ आ गई बात, ठीक है। थोड़ी बड़ी बना देते हैं, आपकी आंखें बहुत बड़ी है, ठीक है। अब इस आई के अंदर सबसे बाहरी बार क्या है जरा बताओ? तो सबसे बाहर तो सर कॉर्निया है, ठीक है। कॉर्निया से थोड़ा अंदर आ जाओ, क्या है सर? कॉर्निया से अगर थोड़ा अंदर आएंगे सर, यहाँ आयरिस है, आयरिस के बीचों बीच क्या है सर? प्यूपिल यानी तारा है। इसके पीछे क्या है सर? लेंस है। क्या है इसके पीछे? लेंस है। ओके, लेंस के पीछे की तरफ क्या है सर? अब लेंस के पीछे की तरफ, अंदर की तरफ तो सर जो है कोरोइड और रेटिना है,
और बिल्कुल यहाँ पर जो है हमारे एक लिक्विड भरा हुआ है उसको कांचा अपद्रव विट्रस ह्यूमर कहते हैं, और यहाँ कोर्निया और लेंस के बीच में एक्वस ह्यूमर है। जलीय द्रव जो भरा हुआ है वो जस्ट कोर्निया के पीछे है, कोर्निया के पीछे तो जलीय द्रव है, और कांचा अपद्रव लेंस के आगे जलीय द्रव और लेंस के पीछे कांचा अपद्रव, सबसे पीछे रेटिना। इतनी बात समझ आ गई। अब इधर देखते हैं यहाँ क्या लिखा हुआ है। देखो इसने कहा है कि निम्न संरचनाओं का सही क्रम क्या है। अगर मानव नेत्र को बाहर से अंदर की ओर देखें, बाहर से आप किसी आंख को बाहर से अंदर की तरफ देखोगे तो सबसे बाहरी बार तो कॉर्निया होगा। कौन से ऑप्शन में कॉर्निया है भैया? ये लो, एक ऑप्शन ये है और एक ये, इन दोनों में कॉर्निया है, बाकी किसी में कॉर्निया नहीं है। तो पहले तो ऑप्शन डी को गलत कर दो और ऑप्शन ए को गलत कर दो। ए और डी तो डायरेक्ट अपने घर गया, ए और डी तो डायरेक्ट अपने घर गया। अब दोस्तों देखो इसको दिखाते रहना भैया बोर्ड को, ठीक है ना, हर एक क्वेश्चन को दो दो बार दिखाना, ठीक है ना। अब सुनिएगा मेरे लाडलो, तो ये बात किसकी कर रहे हैं? ये बात कॉर्निया की कर रहे हैं, ठीक है। अब कॉर्निया के पीछे इधर क्या लिखा हुआ है? आयरिस। इधर भी क्या लिखा हुआ है? आयरिस। यहाँ तक ठीक है। आयरिस के पीछे इसने क्या लिखा है? लेंस। और इसने क्या लिखा है? कांचा अपद्रव। ये गड़बड़ कर दी ऑप्शन नंबर बी में। बी में क्या कर दी? गड़बड़। और बी में कहा है कि सबसे लास्ट में लेंस है, बी में भी गड़बड़ हो गई। ए में गड़बड़, बी में गड़बड़, डी में गड़बड़, तो सही क्या होगा? सही होगा सी। देखो पहले कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे आयरिस, आयरिस के पीछे लेंस, लेंस के पीछे कांचा अपद्रव, ठीक है ना। इतनी बस बात समझ लो, यही तो है हमारे। देखो यहाँ पे आगे आगे कॉर्निया, कॉर्निया के पीछे लेंस, लेंस के पीछे कांचा अपद्रव, ये तीन चीजें सही है, कॉर्निया, आयरिस, लेंस, कांचा अपद्रव, है कि नहीं? इतनी बात समझ लोगे का? बिल्कुल समझ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। यहाँ तो इसने कॉर्निया बीच में डाल दिया, देखो पुतली के ही अंदर कॉर्निया, यहाँ पे किसने कर दिया कॉर्निया, ठीक है, बदमाश कहीं का। ऑप्शन नंबर सी राइट करो भाई फटाफट, जल्दी करो, ठीक है। सही हो गया, बिल्कुल हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं सर। आगे बढ़े क्या? बिल्कुल बढ़ेंगे सर, ठीक है। अब किसकी बात करें सर? अब ये पाचक रस की बात कर लें। कर लो मेरे लाडलो, कर लो, ठीक है। फिर कहोगे सर पाचन की बात ही नहीं करी आपने, ठीक है ना, अन्याय कर दिया आपने तो हमारे साथ, है कि नहीं? है ना, पानी पी लेते हैं दोस्तों, ठीक है ना, बिल्कुल देसी स्टाइल में, ठीक है ना, पानी पी लेते हैं ना, बिल्कुल एक लोटे के द्वारा। अब दोस्तों बात को समझ लेना, कैसे समझे सर? ऐसे देखो, आमाशय की लठर ग्रंथियां किसका श्रावण करती है? ये लठर है कि जठर है? ये जठर है। तो ये कह रहा है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड ऑफ स्टोमक। मैंने कई बार बताया है कि हमारे आमाशय में जो है दोस्तों जठर ग्रंथियां होती है। इन जठर ग्रंथियों के पास में दो तीन तरह की कोशिका है, एक तो होती है चीप सेल, ऑक्सेंटिक सेल, और क्या होती है? और होती है जाइमोजन सेल, चीप या जाइमोजन, ऑक्सेंटिक, गोबलेट होती है ना, बिल्कुल। तो सर ये सभी कोशिकाएं मिल करके यहाँ गैस्ट्रिक जूस डालती है। गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, पेप्सिन एंजाइम होता है, रेनिन एंजाइम होता है, और म्यूकस यानी श्लेष्मा होता है। बस सर चार ही चीजें होती है, एक जल भी होता है, ये पांच चीजें होती है बस। कौन सी पांच चीजें होती है जठर रस में? सर पानी होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, पेप्सिन होता है, रेनिन होता है, और श्लेष्मा होता है, याद रख लो बिल्कुल। अब देखो इसने क्या लिखा, श्लेष्मा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिनोजन, बिल्कुल सही है, पेप्सिन पेप्सिनोजन के रूप में रहता है इसमें, ठीक है, ये बात भी मुझे सही लग रही है। इसने कहा श्लेष्मा, पेप्सिनोजन और ट्रिप्सिन। अरे बुड़वक, ट्रिप्सिन यहाँ पे नहीं होगा, ट्रिप्सिन तो कहाँ होता है जानते हो? इस अग्नाशय के अंदर बनता है ट्रिप्सिन, अग्नाशय ग्रंथि जो है वो ट्रिप्सिन को ग्रेणी में ड्यूडिनम में डालती है। कहाँ गलत बात कर दी तूने, ठीक है,
ऑप्शन नंबर सी, सी में ट्रिप्सिन और लाइपेज लिख दिया। ये भी तो दोस्तों छोटी आंत में आते हैं, ये कहाँ होते हैं यहाँ पे, यहाँ पर भी ट्रिप्सिन। भैया ये तीनों ही गलत हो गए, राइट कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस मेरे दोस्तों। आगे बरे का बरोसर, तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हुआ था, ए, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एंड पेप्सिनोजन, ये सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ आरएनए इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रीडिंग द जेनेटिक कोडॉन, निम्नलिखित में से कौन सा आरएनए आनुवंशिक कूट को पढ़ने के लिए उत्तरदायी है, आनुवंशिक कूट को पढ़ने के लिए उत्तरदायी आरएनए, क्या कह रहा है, आनुवंशिक कूट को अगर पढ़ना है, जेनेटिक कोडॉन की अगर मुझे स्टडी करनी है तो कौन सा आरएनए काम में आएगा, जल्दी बता दो। देखो, विच टाइप ऑफ आरएनए इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रीडिंग द जेनेटिक कोड, जल्दी बताओ, देखें इसका आंसर बताइएगा। और दोस्तों आप मुझे बताओ पेपर का लेवल किस तरह का रहा, ठीक है, कैसा लग रहा है आज आपको पेपर देने के बाद, बहुत ही अच्छे, शाबाश शाबाश, क्या बात है, अरे वाह बच्चों, आपने आज साबित कर दिया है कि भैया पढ़ने वाले जो हैं, ठीक है, जब सभी अपने जोश और जुनून के साथ दोस्तों संगठित हो जाए, एक हो जाए, तो पेपर कि कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों दम घूट करके जान निकाल देते हैं। और आज पक्का आपने साइंस वाले पेपर के साथ यही किया है, इसे अवायवीय श्वसन करने के लिए मजबूर किया है, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिएगा ऐसा आरएनए क्या कहलाएगा, मैसेंजर आरएनए क्या कहलाएगा, एमआरएनए, एमआरएनए ही वो आरएनए है जिसके ऊपर दोस्तों क्या होते हैं, जेनेटिक कोड होते हैं। तो अगर मुझे जेनेटिक कोड पढ़ने हैं, ठीक है ना, तो मुझे एमआरएनए की ज़रूरत पड़ेगी। एमआरएनए जो है उसके पास कौन से कोड होते हैं, जेनेटिक कोड होते हैं, याद रख लेना, ठीक है ना। और एमआरएनए इस सूचना को कहाँ पर लेके जाता है, राइबोसोम तक, कहाँ पर लेके जाता है दोस्तों, राइबोसोम तक। और राइबोसोम तक इन कोडोनों को, राइबोसोम पर पहुँचने के बाद इन कोडोन के मेरे दोस्तों बिल्कुल एंटी कोड लेके आता है टीआरएनए, और टीआरएनए लेके क्या आता है, अमीनो अम्ल, किसके अनुसार, एमआरएनए पर पाए जाने वाले कोडोन के अनुसार। ओके, आगे बढ़ें, बड़ो सर, इतना छोटा क्यों हो गया रे बबलू, हाँ, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है पेलेग्रा इज कोजेज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से पेलेग्रा नाम की बीमारी हो जाएगी। दोस्तों यह भी 10th लेवल का क्वेश्चन है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। दोस्तों विटामिन ए, ए की कमी से होती है नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। दूसरा है बी वन, बी वन की कमी से बेरी बेरी। बी टू की कमी से राइबोफ्लेविनोसिस। बी थ्री की कमी से पेलेग्रा, पेलेग्रा किसकी कमी से, बी थ्री की कमी से, याद रख लो कहाँ लिखा हुआ है बी थ्री, ठीक है, लिखा हुआ है कहीं पे बी थ्री, बिल्कुल लिखा हुआ है सर, याद रख लो, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के रूप में होता है। बी वन की कमी से बेरी बेरी, ठीक है। बी टू की कमी से राइबोफ्लेविनोसिस, एग्जाम में राइबोफ्लेविनोसिस आ सकता है, राइबोफ्लेविनोसिस। और बी थ्री की कमी से पेलेग्रा, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स, के की कमी से हेमरेज, है ना, ई की कमी से नपुंसकता, याद रख लो, हाँ जी बिल्कुल। आगे बढ़ें तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, विटामिन बी थ्री इज राइट आंसर, पेलेग्रा बी थ्री की कमी से होगा। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब दोस्तों ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, डार्विन फिंचेज आर फेमस फॉर वेरिएशन इन स्ट्रक्चर ऑफ देयर बॉडी, इसके शरीर के अंदर
कौन सी विभिन्नता के आधार पर डार्विन की फिंच बहुत ही ज्यादा फेमस होती है? मेरे प्यारे लाडलो, जल्दी बता दो, जल्दी आंसर दे दो। और अगर आपको ये क्लास, अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आ रहा है तो एक बार मेरे दोस्तों फर्ज बनता है इस जानकारी को शेयर करने का, सभी स्टूडेंट एक बार के लिए शेयर कर दें, ठीक है ना। बहुत ही अच्छे, वेरी नाइस। और सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो खुद ब खुद आपका कमेंट बॉक्स ऑन हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छे, देखिए दोस्तों, एक चार्ल्स डार्विन नाम का वैज्ञानिक था जो गैलापागोस द्वीप समूह पर भ्रमण के लिए गया। उसने HMS बिगल नाम का जहाज लिया जो कि इंग्लैंड नौसेना का था। कौन? चार्ल्स डार्विन। जीव विकास का पता लगाने के लिए इंग्लैंड के नौसेना के HMS बिगल जहाज को लेकर हेंसलो नाम के एक व्यक्ति को अपने साथ बिठा करके रवाना हो गया प्रशांत महासागर के छोटे मोटे जो टापू थे, गैलापागोस द्वीप समूह जो थे, वहां गया तो उसने देखा कि अलग अलग चोंच के आकार वाली बहुत सारी चिड़ियाएं उसे दिखाई दी। कुछ ऐसी थी जिसके चोंच का आकार बड़ा था, कुछ इस तरह की थी जिसके चोंच का आकार छोटा था। ये बात याद रख लेना, कुछ की चोंच मोटी थी, कुछ की पतली थी, कुछ की निकुली थी, कुछ की लंबी थी, है ना। तो दोस्तों इनके चोंच के आकार में वेरिएशन था, है ना, याद रख लेना। किसमें वेरिएशन था? चोंच के आकार में वेरिएशन था। क्या? बिल्कुल था सर, ठीक है, याद रख लेना। ये लीजिए आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे बिल्कुल राइट होगा, ठीक है ना मेरे दोस्तों। डार्विन फिंचेज, ठीक है ना। डार्विन फिंचेज किसका एग्जाम्पल है? प्राकृतिक चयन का, नेचुरल सेलेक्शन का। कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना दोस्तों। और आज से ठीक एक दिन पहले मैंने ये शायद क्वेश्चन दिया था जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है। और मैंने सुबह जो है कोई एक RUHS का बेच चल रहा था सुबह मॉर्निंग में, तब भी ये क्वेश्चन दिया था। बच्चों याद करो, मैंने कहा था कि गैलापागोस द्वीप समूह पर चार्ल्स डार्विन को, ठीक है, कुछ फिंचेज दिखाई दी, कुछ चिड़ियाएँ दिखाई दी, उनको डार्विन फिंचेज कहा। वो एक दक्षिणी अमेरिका की बीज खाने वाली चिड़िया जो है उन सभी की पूर्वज थी, ऐसा कुछ मैंने सुबह आपके सामने रखा भी था। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आगे बढ़े, बिल्कुल। अब सुनिएगा मेरे लाडलो, ठीक है, आगे बढ़े का। किस कशेरुक वर्ग के वर्ग में प्रीन ग्रंथियां उपस्थित होती है? प्रीन ग्लैंड प्रेजेंट इन विच क्लास ऑफ वर्टिब्रेट्स हैव प्रीन ग्लैंड्स, ठीक है, प्रीन ग्लैंड्स रखने वाला वर्टिब्रेटा कौन सा है, ठीक है। बहुत ही अच्छे दोस्तों, बहुत ही अच्छे, शाबाश, ठीक है ना दोस्तों। साबित कर दीजिएगा प्रीन ग्लैंड किसके पास होती है मेरे प्यारे लाडलो। क्या पसीना स्रावित करने वाली स्वेट ग्लैंड, क्या पसीना स्रावित करने वाली स्वेट ग्लैंड मेरे दोस्तों पाई जाती है? किसके पास? पक्षियों के पास नहीं होती। अगर पक्षियों के पास स्वेट ग्लैंड नहीं होती तो पक्षियों के पास प्रीन ग्लैंड होगी, एवीज के पास। दोस्तों मैं मिलाना चाहता हूं एक महान शख्सियत से जिनका नाम है मिस्टर H. पूनिया। सर आइएगा एक मिनट के लिए, थोड़ा बच्चों को मोटिवेट भी करिएगा, ठीक है, फिर हम आगे के क्वेश्चन वापस सॉल्व करेंगे। तो एवीज, एवीज यानी दोस्तों पक्षी, इनके पास पाई जाती है प्रीन ग्लैंड। मेरे दोस्तों मैं आपके सामने एक बहुत ही बड़ी शख्सियत जो है ज्योग्राफी की जानी मानी शख्सियत जो कि राजस्थान के अंदर RPSC टॉपर रह चुकी है, ठीक है ना मेरे दोस्तों, भाटिया जैसे बड़े आश्रम के अंदर टॉप जो है एक मेरे दोस्तों वहां पर टॉपर टीम रह चुकी है और कहीं ना कहीं मेरे दोस्तों राजस्थान को टॉप किया है इन्होंने, ठीक है।
तो मैं एच पूनिया सर से, जो खुद लेक्चरर हैं ज्योग्राफी के, और मैं इनको शुभकामना देना चाहूँगा। बहुत जल्द जो हैं आरएएस बनने वाले हैं, या ये कॉलेज लाइन में असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हुए हम सब देखना चाहते हैं, क्योंकि सर खुद नेट क्वालिफाइड है। ठीक है, तो इसलिए सर वेलकम है आपका। एक मिनट बच्चों को जो है थोड़ा जानकारी दीजिएगा, आज लैब असिस्टेंट का एग्जाम हुआ, क्या लगता है आपको, किस तरह का पेपर रहा होगा? जैसा कि सर बता रहे हैं आपको, जो आज का पेपर का लेवल था वो बिल्कुल ही, मैं बता रहा हूँ कि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा रहा है, और जिन लोगों ने पढ़ाई नहीं की है बिल्कुल भी, तो उनके लिए तो वो चीज़ें सारी ऊपर से जाने वाली है। देखिए, एक कहते हैं कि तरक्कियों का दौर चल रहा है, कि तरक्कियों के दौर में उसी का जोर चल गया बना के यार रास्ता, जो भीड़ से निकल गया। अगर आपको भीड़ में से रास्ता निकालना है, तरक्की का दौर है, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और जिस प्रकार जो लैब असिस्टेंट का हमारा जो पीछे बैच स्टार्ट हुआ था, उसमें जो हमारी क्लासरूम से हमारे नोट से बिल्कुल हूबहू सवाल है जो रिपीट हुए हैं, और हूबहू सवाल हमें तो ऐसा लग रहा है कि कहीं हमारे नोट से है जो उनको कहीं कॉपी नहीं कर लिया गया है। तो बिल्कुल, क्योंकि इसमें इतना डीपली नहीं पूछा जाता है, बच्चे क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा डीपली चले जाते हैं और वो अपनी तैयारी को एक अलग लेवल बना देते हैं, क्योंकि उन्हें तैयारी तो लैब असिस्टेंट लेवल की करनी है, बट वो इतना डीपली चले जाते हैं कि आईएएस लेवल की तैयारी शुरू कर दे। तो ऐसा नहीं है, कोई भी एग्जाम होगा उसमें रफ एंड टफ चीजें नहीं आती, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें आती है। अगर आप इंपॉर्टेंट चीजों को याद कर लेते हैं तो भी आपका सिलेक्शन श्योर हो जाता है। महात्मा गांधी ने कहा था कि आजकल पढ़ना सब जानते हैं, लेकिन क्या पढ़ना है ये कोई नहीं जानता। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। जितने भी हमारी क्लासेज हुई है, जितने बच्चे हमसे जुड़े हैं, और उन बच्चों से है जो सवाल जवाब हमारा होता रहता है, तो बहुत ही अच्छा पेपर गया उनका। तो आप लोग भी, नेक्स्ट है जो 7 जुलाई से हमारा LDC का बैच शुरू कर रहे हैं हम लोग, और उस LDC के बैच में वही डेली की आपकी क्लासें चलेगी। हम लोग यूट्यूब पर आपकी है जो डेमो क्लासेज भी करेंगे। अगर आपको उन क्लासेज में समझ में आती है नहीं आती, आप उनका रिव्यू है जो हमें जरूर दीजिएगा, आपको क्लासें कैसी लगती है, फिर आप है जो हमारा कोर्स है उसको आप परचेज करिएगा। तो वो लगातार क्लासें आपकी 7 जुलाई से हम लोग शुरू कर देंगे। आपको कैसा लगता है, क्या लगना है, सारी की सारी स्ट्रेटेजी हम आपको बताएंगे। बस आपको हमारे साथ रहना है और हमसे जुड़ना है। आप कोई भी वादा करेंगे हम उसे अपना दावा मानेंगे, और आपके हर एक चीज़ को, हर एक पढ़ाई को, स्टडी मटेरियल को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो लगातार पढ़ते रहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा एग्जाम्स है जो अभी होने वाले हैं, क्योंकि सरकार है इसके अप्रोक्सीमेटली है जो 1.5 साल बाकी रहा है, तो बिल्कुल भर्तियों का दौर आएगा, इतनी सारी वैकेंसी जाएगी कि बच्चे ये सोचेंगे कि हम कौन सी तैयारी करें। लेकिन आप एक तैयारी करिए और उसमें मन लगाकर तैयारी करिए, आपको ज़्यादा नहीं, हमेशा कि अगर आप 6-7 घंटे कंटिन्यू स्टडी रखते हैं तो सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन के लिए यूं मायने नहीं रखता कि आज आपने 15 घंटे पढ़ाई की है, 2 दिन आप है जो भाई की बुआ के लड़के की शादी में चले गए, 2 दिन आपने पढ़ाई की नहीं, तो फिर वो चीज़ें काम नहीं आती। अगर आप आज 6 घंटे पढ़ें तो कल 2 घंटे भी पढ़ेंगे तो वो आपकी रेगुलर स्टडी मानी जाएगी। तो रेगुलरिटी रहनी बहुत ज़रूरी है, पढ़ाई ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी नहीं है, पढ़ाई आपसे कंटिन्यूटी मांगती है, वो ये मांगती है कि आप हमसे लगातार हमेशा जुड़े रहें। बुक्स है आपकी, पुस्तकें ही आपकी सबसे अच्छी मित्र है, इसके अलावा कोई दुनिया में साथ नहीं देता। अगर आपने इन सालों में 1-2 साल में पुस्तकों से अच्छी दोस्ती कर ली, तो तुरंत और अगले साल में आप है जो सफलता की सीढ़ियों पर है जो मिलेंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, पढ़ते रहिए और लगातार हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू पूनिया सर। और वैसे तो अभी बच्चे जो है एग्जाम से फ्री हुए हैं, उन्हें जीके के पेपर का भी सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, पूनिया सर ने जीके का जो ज्योग्राफी का पेपर है वो सॉल्व करवा दिया है, और आज से जो अभी थोड़ी देर पहले, आधे घंटे पहले ही वो पेपर सॉल्व हो चुका था, और उसकी लाइव जो है सॉल्यूशन क्लास डाल दी है यूट्यूब पर, आपको मिल जाएगा। उस सॉल्यूशन का डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक भी मिल जाएगा, तो आप यूट्यूब पे ही देख लेंगे तो सर का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों, बहुत बड़ी खुशी की बात तो यह है कि सर ने जो पिछले दिनों बच्चों को MCQ करवाए थे, जो करंट अफेयर की क्लास ली थी, जो ज्योग्राफी की क्लास ली थी, ठीक है, जो खुद ने सर ने नोट्स दिए थे, वो हूबहू एग्जाम में आ गए।
करंट अफेयर की 10 क्लासें ली थी दोस्तों, और उनसे हूबहू सेम क्वेश्चन आए। ये दोस्तों अनुभव बोलता है, सीधी सी बात है, ठीक है ना। पिछले 10 वर्षों से लगातार अथक परिश्रम करना, ठीक है, राजस्थान को टॉपर जो है, एक ज्योग्राफी को टॉप करना, नेट क्वालिफाई करना, तो इसलिए दोस्तों अपने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर इस प्रकार की टीम है जिन पे आप पूरा भरोसा कर सकते हैं, पूरा भरोसा कर सकते हैं दोस्तों। बहुत अच्छा पढ़ाया गया और आगे भी पढ़ाते रहेंगे सर, आपको YouTube पर रेगुलर जो है क्लासे देते रहेंगे आने वाले समय में। और विजय एजुकेशन ऐप पर भी अपन जुलाई में शुरू कर रहे हैं LDC का CET का बैच, जो रेगुलर चलता ही रहेगा। और मैं तो सर से भी चाहूँगा कि सर ज्योग्राफी का अलग से भी रिकॉर्ड करके बच्चों को एक सिलेबस प्रोवाइड करवाइएगा, ठीक है। तो थैंक यू सर। तो बच्चों वापिस आते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है। अब देखिएगा, अब अगले क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो, तो ये तो AVs की बात हो गई, किसकी AVs की बात हो गई। एक बार शेयर करते रहिए दोस्तों इस क्लास को। तो यहाँ पे नेक्स्ट देखो तो प्रीन ग्लैंड AVs में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है दोस्तों? AVs के अंदर पाई जाती है। अब मेरे प्यारे लाडलो, मानव कर्ण में कौन सी संरचना होती है? मानव कर्ण में कौन सी संरचना? कितनी बार पढ़ाया मेरे दोस्तों ऑर्गन ऑफ कोर्टी? कितनी बार आपको पढ़ाया है ऑर्गन ऑफ कोर्टी, ठीक है ना? ठीक है, हद हो गई है भाई, ऑर्गन ऑफ कोर्टी। और आखिरकार एग्जाम में आ और गया, ठीक है ना, बच्चे की जान लेगा का, पाया कहाँ जाता है मेरे दोस्तों? हमारा जो इंटरनल ईयर होता है ना, कौन सा ईयर? इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर के अंदर तीन मुख्य चीजें होती है, एक तो सेमी सर्कुलर केनाल, एक होता है सेक्यूलस और यूट्रिकुलस, और एक मेरे दोस्तों होता है कोक्लिया। ये तीन चीजें पाई जाती है। कितनी? ये तीन चीजें, सेमी सर्कुलर केनाल यानी अर्धवर्ताकार नलिका, सेक्यूलस, यूट्रिकुलस और कोक्लिया। दोस्तों सेमी सर्कुलर केनाल और सेक्यूलस और यूट्रिकुलस, ये तो दोस्तों संतुलन का काम करते हैं हमारे शरीर में, ठीक है ना। कान के ये वे भाग है जो बैलेंसिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जबकि जो कोक्लिया है दोस्तों, ये मेरे दोस्तों वो भाग है जो हियरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और इस कोक्लिया के अंदर ही ऑर्गन ऑफ कोर्टी होता है, कोर्टाई का अंग होता है, ठीक है। तो इसने खुद ही पूछा है, मानव कान में कौन सी संरचना होती है? विच स्ट्रक्चर इज फाउंड इन द ईयर ऑफ ह्यूमन? तो दोस्तों देखो, कारपोरा क्वांड्री जेमिना तो नहीं होता, क्योंकि कारपोरा क्वांड्री जेमिना तो मिड ब्रेन का भाग है, मध्य मस्तिष्क का भाग है, ठीक है। बोजेनस का अंग भी नहीं होता, ऑर्गन ऑफ कोर्टी होता है दोस्तों, याद रखो आप इस बात को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या होने वाला है? राइट होने वाला है, ओके मेरे लाडलो, बिल्कुल। अब आगे बरे का बरिएगा, क्वेश्चन क्या है? मैच द पैथोजन इन कॉलम फर्स्ट विद डिजीज इन कॉलम सेकंड एंड चूज द करेक्ट आंसर। दोस्तों यहाँ पे पैथोजन दिए हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं, तो कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलाना है। स्क्रीन को लेते रहें, ठीक है दोस्तों, देख लेना, आप भी खुद मिलाइएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन राइट होगा और कौन सा रॉन्ग होगा, ठीक है। अरे वाह मेरे दोस्तों, आप इतनी बड़ी संख्या में जुड़े हैं, विजय एजुकेशन को सपोर्ट किया है, इसके लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया मेरे दोस्तों, ठीक है। और आपने जो भरोसा जताया है वो आज साबित हो गया दोस्तों। आज के बाद आप ये आसानी से दोस्तों बिलीव कर सकते हैं कि अपन सब ने मिल करके जो ईमानदारी से क्लासे ली, ठीक है, उनसे हूबहू डायरेक्ट क्वेश्चन आए। मैंने जो दोस्तों 10th सेकेंडरी लेवल की जो साइंस की क्लास ली थी पीछे 6 घंटे की, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आए। मैंने 12 घंटे की जो बायोलॉजी की क्लास ली थी दोस्तों, उसमें से क्वेश्चन आए। और तो और जो मैंने कल 6 घंटे की क्लास ली थी, उसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आए मेरे दोस्तों साइंस के अंदर। अगर मैं GK की बात करूं तो GK के अंदर मेरे दोस्तों पिछले लगातार 15 दिन से MCQ क्लासें चल रही थी विजय एजुकेशन ऐप पर, ठीक है। चाहे हमारे OP डारा सर हैं, चाहे हमारे H पूनिया सर हैं, चाहे हमारे AK शर्मा सर हैं, चाहे फिजिक्स के जो हैं शर्मा सर हैं,
चाहे दोस्तों हमारे सोनी सर हैं, और भी बहुत सी फैकल्टी दोस्तों, करीब करीब 15 से 20 का स्टाफ था जो रेगुलर आपको पढ़ा रहा था, और आगे भी हम इसी प्रकार से दोस्तों इस प्लेटफॉर्म पर लगे रहेंगे। ठीक है, एक अलग दोस्तों आपको फील ही नहीं होता, यहाँ कोचिंग जैसी फील बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, यहाँ पे एक अलग ही फीलिंग रहेगी, जैसे आप स्कूल के अंदर ऑफलाइन बैठ करके टीचर के साथ वार्तालाप करते हैं, एज इट इज वैसा फिनोमिना है यहाँ पे। ठीक है ना, हजारों बच्चे दिन भर कॉल करते हैं और हम बात भी करते हैं, क्लास भी लेते हैं, ये सिस्टम हमारा चलता रहता है। तो विजय एजुकेशन परिवार है दोस्तों जो हमेशा आपको सपोर्ट करता रहेगा। देखिएगा, लेस मानिया डोनोवानी, ठीक है, इसके बाद में वुचेर एरिया ब्रेंकोफेटाई, ठीक है, फिर है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियसिस, फिर है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। अब देखो दोस्तों, अपने को बीमारी के बारे में देखना है। फाइलेरिया, देखो फाइलेरियासिस, इसको हाथी पांव कहते हैं, ये वुचेर एरिया ब्रेंकोफेटाई से होता है। तो दोस्तों बी का, किसका, बी का जो है वो फाइव नंबर राइट होगा, बी का फाइव, ओके। अब प्लाज्मोडियम तो सभी को मालूम है, प्लाज्मोडियम से मलेरिया होता है, तो दोस्तों डी का पॉइंट फर्स्ट राइट है, डी का पॉइंट फर्स्ट, बस इन दो को देख लो, खुद ब खुद आंसर दिख जाएगा। बी का फाइव, डी का वन, बी का फाइव और डी का वन, देखो कहां पे है, बी का फाइव और डी का वन, ये देखिएगा दोस्तों आंसर में आपको पता चल जाएगा, ये तो है डी का वन और ये है बी का फाइव, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे राइट होने वाला है, और किसी के अंदर डी का वन और बी का फाइव नहीं है दोस्तों, क्योंकि इसमें अगर बी फाइव है तो डी सेकंड है, देख लो आप, है कि नहीं है, बिल्कुल। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, यानी ए का थर्ड होगा। ए का थर्ड क्या है, काला अजार, लेस्मानिया डोनोवानी से क्या होता है, काला अजार। फिर देखो बी का फाइव, यानी वुचेर एरिया से क्या, फाइलेरियासिस, इसको हाथी पांव भी कहते हैं, फील पांव भी कहते हैं, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियसिस, इससे निंद्रालु बीमारी होती है दोस्तों, प्लाज्मोडियम से क्या होता है, मलेरिया होता है मेरे प्यारे लाडलो, ठीक है कि नहीं है, आगे बढ़ें, ये सी पॉइंट इसका राइट होगा, बिल्कुल। सर ये इतना आसान क्वेश्चन क्यों आ गया, अब आ गया तो आ गया, ठीक है ना दोस्तों, इम्यूनिटी पढ़ा है। हाँ, मेरे पास एक कॉल आया कि सर आप तो इम्यूनिटी पढ़ा रहे हो, इम्यूनिटी तो सिलेबस में नहीं है, आपने लेब असिस्टेंट में इम्यूनिटी क्यों पढ़ा दी। तो मैं दाएं देखने लगा, बाएं देखने लगा, फिर जब मैंने मेरे दोस्तों टॉपिक का नाम दिखाया, उसका नाम था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, मानव स्वास्थ्य और रोग, तो मेरे दोस्तों याद रखो मानव स्वास्थ्य और रोग नाम का जो टॉपिक है उस टॉपिक में इम्यूनिटी शामिल होती है, प्रतिरक्षा शामिल होती है, ठीक है ना दोस्तों, समझ लो इस बात को। इसलिए ऊपर वाला जो प्रश्न है ना वो भी इसी टॉपिक से आया है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से, और यह भी ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से ही आया है, देख लो आप खुद, बिलीव नहीं करते हो तो ये करो लो, इम्यूनोग्लोबुलिन आर प्रोड्यूस बाय, इम्यूनोग्लोबुलिन किसके द्वारा प्रोड्यूस होती है मेरे प्यारे लाडलो, इम्यूनो का मतलब होता है प्रतिरक्षा, ग्लोबुलिन एक तरह की प्रोटीन है जो हमारे प्लाज्मा में पाई जाती है, हमारे प्लाज्मा में तीन तरह की प्लाज्मा प्रोटीन होती है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन। दोस्तों एक और बड़ी बात है, बहुत सारे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है वो अभी भी की मिला रहे होंगे, वो अभी भी गूगल पर देख रहे होंगे किस क्वेश्चन का क्या आंसर है, कहीं गलत तो नहीं बता देंगे। और दोस्तों ये प्लेटफॉर्म विजय एजुकेशन आपके सामने, जैसे ही आपने मेरे को पेपर भेजा, पेपर बोर्ड पे लगा दिया और सॉल्यूशन शुरू कर दिया, ठीक है दोस्तों, ये है दोस्तों क्वालिटी, आप खुद समझदार हो, देख लो बहुत सारे अभी भी इस तरह के मेरे दोस्तों प्लेटफॉर्म में, मैं कमेंट तो नहीं करना चाहता लेकिन मेरे दोस्तों आज मेरा मन कर रहा है कमेंट करने का, आप रोकिएगा मत, ठीक है ना, ठीक है ना, अभी भी बहुत से स्थानों पर दोस्तों साइंस का पेपर सॉल्व नहीं करवा रहे होंगे, ठीक है ना, तो मैं ये चाहता हूँ कि एट ए टाइम सॉल्यूशन होना चाहिए, उसे बोलते हैं क्वालिटी।
ठीक है ना। और मेरे दोस्तों मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूँ कि हमारे इस परिवार का हर एक स्टूडेंट योद्धा है साइंस का, ठीक है ना। यह साइंस का एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना, और इस साइंस के प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हर एक स्टूडेंट के अंदर वो दम है कि वो खुद पेपर को सॉल्व कर सकते हैं और उनमें इतना कॉन्फिडेंस है कि उनको कोई चुनौती नहीं दे सकता। और बच्चों अगर ये कॉन्फिडेंस रख करके कल वाला एग्जाम जिन बच्चों का होना है वो भी इसी कॉन्फिडेंस से देना, बच्चों आपके कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप घबराहट मत रखो, आप डर मत रखो, मैंने पहले ही कहा था, अपने मम्मी पापा से आशीर्वाद लेकर के एग्जाम देने चले जाना दोस्तों, आपके कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। पहले बायो का पेपर करना, फिर केमिस्ट्री का, फिर फिजिक्स का, जीके के अंदर दोस्तों साइकोलॉजी फर्स्ट पेपर में नहीं आई है तो सेकंड पेपर में भी आने वाली नहीं है। जीके के फर्स्ट पेपर में थोड़े दोस्तों करंट जीके के क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिले तो करंट जीके थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है ना। हाँ, अब देखो इम्यूनोग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन किसके द्वारा बनती है जानते हो सर? इम्यूनोग्लोबुलिन जो है ना, इसको हम सर गामा ग्लोबुलिन भी कहते हैं। क्या? गामा ग्लोबुलिन भी कहते हैं, ठीक है ना। ग्लोबुलिन तीन तरह की होती है, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। एक होती है एल्ब्यूमिन, एक होती है ग्लोबुलिन, एक होती है फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन, और एक होती है प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। ये मेरे दोस्तों ऐसी प्लाज्मा प्रोटीन है, ये आपकी पीपी है, प्लाज्मा प्रोटीन है, याद रखो। इनमें फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, ये ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन है, ये रक्त स्कंदन में मदद करती है, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती है। जबकि ग्लोबुलिन जो है ना दोस्तों, ये इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार है। ग्लोबुलिन में अल्फा की, बीटा की, गामा, गामा इम्यूनिटी के लिए जिम्मेदार है। एल्ब्यूमिन दोस्तों बीसीओपी को कंट्रोल करती है, ब्लड कोलाइडल ऑस्मेटिक प्रेशर, ये क्वेश्चन आ सकता है कल, याद रख लेना। हाँ, तो दोस्तों इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो किसकी वजह से बनेगी? इम्यूनोग्लोबुलिन दोस्तों बी लिम्फोसाइट, कौन सी लिम्फोसाइट? बी लिम्फोसाइट जो है, जब हमारे शरीर में कोई एंटीजन या रोगाणु आता है मेरे लाडलो, तो तुरंत उस रोगाणु के विरुद्ध हमारी बी लसिकाणु सक्रिय होती है, सक्रिय होकर के प्लाज्मा सेल बनाती है पहले, और प्लाज्मा सेल एक प्लाज्मा प्रोटीन बनाती है, उसको इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं और उसको ही गामा ग्लोबुलिन कहते हैं, और यही आगे चलकर एंटीबॉडी कहलाती है। तो ये आगे चल के क्या कहलाती है? एंटीबॉडी। तो इम्यूनोग्लोबुलिन किस से बनती है? मोनोसाइट से बनती है? नहीं। यकृत से? नहीं। लाल रक्त कणिका से? नहीं। लिम्फोसाइट से? हाँ। लिम्फोसाइट में भी कौन सी? बी लिम्फोसाइट से। बी लिम्फोसाइट जो है इसको बनाता है इम्यूनोग्लोबुलिन को, याद रख लेना, ये बड़ी बात है, ठीक है ना। तो यहां लिम्फोसाइट राइट होगा। वैसे लिम्फोसाइट में एक टी लिम्फोसाइट और होता है, टी लिम्फोसाइट हमें दोस्तों कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा देता है, CMI, और बी लिम्फोसाइट हमें एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी देता है, AMI, याद रख लेना, ये भी बड़ी बात है। आगे बढ़े क्या? स्क्रीनशॉट लेना है तो लेते रहिए भैया, ठीक है ना, फिर ये मसला डिलीट हो जाएगा, ठीक है, ओके। जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है साथ में लेते रहना मेरे प्यारे लाडलो, केमिस्ट्री वाला प्रश्न है केमिस्ट्री वाले सर करवाएंगे, ठीक है ना। पूनिया सर को जितना मालूम है उतना तो बता ही देंगे, बायो में और केमिस्ट्री में अगर मालूम है तो भी बता देंगे। निम्न में से कौन सा आणविक सूत्र एल्काइन का है? देखो, एक होती है एल्केन, एक होती है एल्कीन और एक होती है एल्काइन, तीन होती है दोस्तों। ये तीन श्रेणियां हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन का सामान्य सूत्र बता दो सर। एल्केन का होता है CN, ठीक है ना, सी, अरे का है रे मार्कर बंधु, ठीक है। अब सुनो, CnH2n+2, यह है एल्केन, ठीक है। एल्कीन का क्या है? एल्कीन का है CnH2n, और एल्काइन का क्या है? एल्काइन का जो सामान्य सूत्र है वो होता है CnH2n-2, यानी जितने कार्बन हो उससे डबल से दो कम हाइड्रोजन। तो देखो, कार्बन चार है तो चार के डबल होते हैं आठ, आठ से दो कम छः, C4H6, ये दोस्तों एल्काइन ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसको ब्यूटाइन कहते हैं C4H6 को। लेकिन C5H10 ये तो एल्कीन है, इसको ब्यूटीन कहते हैं। C3H8, तीन का डबल क्या होता है? छः,
ठीक है ना दोस्तों, तीन का डबल क्या है जरा बताना, तो तीन का डबल है छः, और दोस्तों छः में से दो चला गया, छः में से दो चला गया तो पीछे पीछे कितना चार, तो इसका मतलब C3H4, यह होगा क्या, तीन का डबल कितना होता है छः, छः में से दो गया पीछे बच गया चार, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ये C5H12 ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, C4H6 ये भी बिल्कुल भी, ये तो बिल्कुल भी होगा, कौन सा आंसर राइट होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, याद रखना मेरे लाडलो, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे, यह एल्काइन का बिल्कुल सही फॉर्मूला है। ओके आगे बढ़े, बरो सर, बरो कह रहा हूँ, वो मरो नहीं कह रहा, ठीक है, इनके नाम बताना हो तो C3H8 को क्या कहते हैं, इसको दोस्तों अपन बोलते हैं प्रोपेन, ठीक है, C5H12 को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं पेंटेन, C5H10 को बोलते हैं पेंटीन, ठीक है ना, और C4H6 को बोलते हैं ब्यूटाइन, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़े, बरो सर, ठीक है ना, हाँ अब आगे बढ़ो, अब आगे बढ़ो भाइयों के, और क्वेश्चन कहाँ पे देखो, बिल्कुल देख रहे हैं सर, पेंटेन के संरचनात्मक समावयवी कितने होते हैं, ये मैंने करवाया था 10th वाला क्वेश्चन केमिस्ट्री के अंदर, देख लो 10वीं स्टैंडर्ड का प्रश्न है, ये करवा देता हूँ, ये कह रहा है पेंटेन के संरचनात्मक समावयवी मेरे लाडलो, अरे भैया पेंटेन जो है ने, ठीक है ना, इसके कौन कौन से रूप हो सकते हैं, एक तो एन पेंटेन, बिल्कुल, और दूसरा आइसो पेंटेन, बिल्कुल, तीसरा नियो पेंटेन, तो कितने हो गए, तीन हो गए सर, पेंटेन के होते हैं तीन, ब्यूटेन के होते हैं दो, प्रोपेन का होता नहीं, प्रोपेन का तो एक भी नहीं होता, ब्यूटेन के कितने, दो, और पेंटेन के तीन, ठीक है ना, तीन आंसर है, बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ओके नाम भी बता दिए मैंने, अगर नाम पूछे तो बता देना, नहीं पूछे तो बस, कोई जरूरी नहीं है ना। हाँ अब देखो आगे बढ़े, बिल्कुल सर, चलते रहिए आगे, चलते ही रहिए, बस रुकना नहीं है, नॉर्मल था फॉर्मल था तो सर बताएंगे। वैसे देखो क्या कहा, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार के घटने का क्या कारण है, ठीक है, अरे मेरे लाडलो ये भी बताया 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन 10वीं की विज्ञान की, आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो नाभिक का आकर्षण बढ़ता है, इस वजह से आकार घटता है, ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ता है क्योंकि कोशों की संख्या बढ़ती है, और नाभिक का आकर्षण घटता है, वर्ग में नाभिक का आकर्षण घटता है, आवर्त में बढ़ता है, आवर्त में आकार घटेगा तो वर्ग में बढ़ेगा, इसका मतलब यह है कि प्रभावी नाभिकीय आकर्षण, प्रभावी नाभिकीय आकर्षण हमेशा इनवर्स होगा किसके, परमाणु आकार के। ओके बिल्कुल ऑप्शन डी राइट होगा, आगे बरे का, बरो सर, ठीक है ना, मैं बरो कह रहा हूं, समझ लो मेरी बात को, ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ो, देखें और अपने साइंस से रिलेटेड जो जानकारी है उसको कर लें, बिल्कुल कर लो सर, ठीक है, अब देखिएगा, अब इसके बाद में मेरे लाडलो, इसका ऑक्साइड कैसा होगा, एक तत्व, ये भी अच्छा है, ठीक है, एक तत्व का परमाणु क्रमांक है 11 नंबर पे आता है सोडियम का ऑक्साइड होता है N2O, जिसको सोडियम ऑक्साइड कहते हैं, धातु के ऑक्साइड सारी है और अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, सही है, बिल्कुल सही है, यहाँ सारी राइट होगा, लेकिन दोस्तों याद रखो, एक होता है जिंक ऑक्साइड और एक होता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं, कैसे उभयधर्मी, अगर यही क्वेश्चन कैसे होता, एल्यूमिनियम जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, ठीक है ना,
एल्यूमिनियम, ठीक है ना, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, अगर यहाँ लिखा होता 13, तो अगर यहाँ ऐसे लिखा होता द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 13, इट्स ऑक्सीडाइज विल बी, ठीक है, इट्स ऑक्साइड विल बी, तो मेरे दोस्तों आंसर क्या लिखोगे? सर जी तब तो गड़बड़ हो जाती, और तब अगर हम गलती से सारी ये लिख देते तो सर समस्या हो जाती, क्योंकि ये उभयधर्मी ऑक्साइड है, ऐसा सर आपने विज्ञान की फराटेदार क्लास में बताया था। क्या बताया था? अधिकांश धातु के ऑक्साइड सारीय होते हैं, किसको छोड़ करके, ZnO और Al2O3 को छोड़ करके, क्योंकि ये दोनों उभयधर्मी होते हैं। आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़िए सर। अब इसके बाद में मेरे प्यारे लाडलो, बहुत ही अच्छे शेयर करते रहो रे, क्लास को बस शेयर करते रहो, रुकना नहीं है, ठीक है ना। आंचल मोरिया, पल्लवी वर्मा, साहबजीत यादव, सुरेश चौधरी, इसके अलावा अनुष्का वर्मा, शरिता मोरिया, सर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन क्यों नहीं दिख रहा है, कोई नेटवर्क इश्यू है का? सही दिख रहा है, बिल्कुल सही दिख रहा है। देखो बच्चों, क्वेश्चन को थोड़ी थोड़ी देर बाद बोर्ड को दिखा रहे हैं अपन, जब बोर्ड दिखाई देना शुरू हो तब प्रश्न को पढ़ लो, जब मैं प्रश्न को पढ़ूं तब आप बोर्ड को दिखाया करो, ठीक है ना, बच्चों की जान लोगे का। अब सुनिएगा मेरे दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन दिख रहा है आपको? बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है ठीक है। अब ये लो हो गई गड़बड़, गई भैंस पानी में। दोस्तों ऑनियन बल्ब इज ए मॉडिफाइड, ऑनियन में बल्ब होता ही नहीं है। बहुत से बच्चे सोचेंगे ऑनियन तो खुद ही एक बल्ब है, अरे ऑनियन प्याज, तो दोस्तों प्याज का कंद एक रूपांतरित, अरे ये हो गया प्याज। ये प्याज के ऊपर ऐसे देखा होगा पत्ती के जैसी संरचना होती है, किसके जैसी? पत्ती के जैसी, ठीक है। ये तो है फ्लेसी लीफ, ये तो कैसी लीफ है? फ्लेसी लीफ है, ये तो खाने योग्य है, मांसल पर्ण। इसके नीचे एक ऐसी गोलाकार संरचना होती है ना प्याज में, जिसे आप यूं काट के फेंक देते हैं, किसको नहीं खाना, यूं एक चक्री का के जैसी होती है, ये है आपका बल्ब। ये ऑनियन का क्या है? बल्ब, ओके। ये जो ऑनियन का बल्ब है ना, ये तने का रूपांतरण है, स्टेम का, और इस बल्ब के नीचे मूल होती है। इस तरह से प्याज पर दो प्रश्न आए हैं, इसका मतलब पेपर बनाने वाले को प्याज से बहुत बढ़िया प्यार है। दोस्तों मान के चलो पेपर बनाने वाले कोई शर्मा जी तो नहीं है, कैसे पता चला? क्योंकि शर्मा जी होते तो प्याज और लहसुन के बारे में ज्यादा प्रश्न नहीं देते, लेकिन भैया इन्होंने तो भर भर के क्वेश्चन दिए हैं प्याज के बारे में, लहसुन के बारे में, ठीक है ना, इन्होंने तो गड़बड़ कर दी है, ठीक है ना दोस्तों, ओके। तो याद रखो आप, ये तने का ही मॉडिफिकेशन है, बिल्कुल। इसके बाद में आगे बरे का बरोसर, ठीक है, ये क्या लिखा है इसने? ये लिखा है सर केवला देव, क्या होगा सर जी बताइए? राजस्थान स्थित केवला देव राष्ट्रीय उद्यान किस प्राणी के लिए शीतकालीन आवास क्षेत्र है? क्या पक्षी राइट है? बिल्कुल राइट है मेरे दोस्तों, घना पक्षी VR, तो ये पक्षियों का आवास स्थल है, किसका? पक्षियों का, ठीक है दोस्तों, याद रख लेना घना पक्षी VR, ऑप्शन नंबर ए यहां पे राइट होगा, ओके वेरी नाइस, ठीक है ना दोस्तों। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों, ये देखो कितना आसान प्रश्न है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस मुख्य रूप से ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? ग्रीन हाउस प्रभाव, ठीक है, मैंने बताया था, याद करो आप 10th सेकेंडरी साइंस की जो 6 घंटे की क्लास जिस बच्चे ने देखी है ना, उसको कम से कम 10 से 15 प्रश्नों का फायदा हुआ है। अभी भी देख लेना जिन बच्चों ने नहीं देखी यार, जिनका कल एग्जाम है और जिन्होंने मेरी 10वीं की सेकेंडरी वाली 10वीं की विज्ञान की क्लास नहीं देखी है तो वो देख लेना, 6 घंटे की क्लास है, 2 की स्पीड में देखोगे 3 घंटे में पूरी हो जाएगी, ठीक है। और जो बच्चे इस पेपर को अच्छी तरह से समझ लेंगे उसे भी 4-5 प्रश्नों का तो फायदा होगा ही होगा, ज्यादा ही होगा, कम नहीं होगा, ठीक है।
ये कह रहा है निम्न में से कौन सी गैस मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैस है, बता दो। देखे इनमें से ग्रीन हाउस गैस कौन सी है मेरे लाडलो, बताना तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी है दोस्तों, ग्रीन हाउस गैस बता दो प्यारे साथियों। आपको और हम लोगों को कम आंका गया था, लोगों ने कहा था कि ये जो पढ़ा रहे हैं इनमें से इस बार एक भी प्रश्न नहीं आएगा। अब बच्चों आप ही बताना लोगों को कि प्रश्न कम आए कि ज़्यादा आए। अपन ने जो मैराथन क्लास ली उसका सभी को फायदा हुआ कि नहीं हुआ, आप ही बता देना। तभी तो दोस्तों मैराथन क्लास जब अपनी चल रही थी तो लाइव के अंदर लगभग 1000 के आसपास बच्चे जुड़ रहे थे, ठीक है। ये आपका प्यार था, ये आपका सम्मान था, और मुझे उसी दिन से पता चल गया था कि मुझे इस बार कंटेंट बहुत अच्छा देना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों का भरोसा मेरे साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए मैंने मेरे दोस्तों जिस दिन भी मुझे मैराथन क्लास लेनी होती थी रात को 4 बजे तक जग करके आपके लिए क्वेश्चन सेलेक्ट करता था दोस्तों। इस बार बहुत तपस्या की है और आगे भी करूंगा, हर एक पल दोस्तों आपके लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेके आऊंगा, ठीक है। तो देखिएगा ये क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस गैस, तो ग्रीन हाउस गैस कौन सी है आप सभी जानते हो, मुख्य पूछा है, तो मुख्य ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कहाँ पे लिखा हुआ है CO2। अब देखो बच्चों गड़बड़ क्या होती है, हम जल्दबाजी में फंसते हैं, अच्छा इतना सरल क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर ए कार्बन ऑक्साइड दिख जाता है, अपन इसको मोनो नहीं डाई पढ़ते, हमें डाई दिखती है, हम ऑप्शन ए को राइट कर देते हैं। जबकि ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे कार्बन मोनोऑक्साइड लिखा हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड लिखा हुआ नहीं है, तो ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके बिल्कुल ठीक है ना, हाँ डी राइट होगा भाई। अब देखो अब ये क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, ठीक है ना। अब देखिए मेरे लाड लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मेरे दोस्तों कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। पहले तो विद्युत चुंबकीय तरंगों में कौन कौन सी तरंग आती है, रेडियो वेव आती है, बिल्कुल आती है ना, हाँ, और एक्सरे आती है, बोलो आती है, गामा रे आती है, हाँ आती है, तो कौन सी पीछे बच गई, बीटा रे, कौन सी बीटा रे, याद रख लोगे का, बिल्कुल रखेंगे, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़े, बिल्कुल बढ़िया सर, विद्युत धारा की इकाई, साइंस वाला क्वेश्चन 10वीं का। अब एक जितने भी बच्चे जिनका कल एग्जाम है उन बच्चों को कहना चाहता हूं सेकेंडरी लेवल के टोटल 15 प्रश्न आएंगे, कितने 15 प्रश्न आएंगे सेकेंडरी लेवल के, 10वीं की विज्ञान से, केवल 10वीं की विज्ञान से 15 प्रश्न आएंगे। जो समझदार स्टूडेंट है उसके लिए इशारा ही काफी है, सेकेंडरी लेवल से 15 प्रश्न आएंगे। हर एक स्टूडेंट अपने दोस्त को चाहे कॉल करके बोलो, मैसेज करके बोलो, उनको बता देना, मैं सीधे शब्दों में कह रहा हूँ इस पेपर के अंदर 15 प्रश्न सीधे 10वीं की विज्ञान किताब से आए हैं, NCERT से। बात को समझो दोस्तों, 15 प्रश्न बहुत महत्व रखते हैं, तभी तो मैंने साइंस वाली 6 घंटे की मैराथन क्लास ली थी। जो बच्चा 6 घंटे की साइंस की मैराथन देख लेगा वो ये 15 प्रश्न सही कर लेगा, फिर मैं इससे बड़ी बात कुछ नहीं कहना चाहता, ठीक है। अब सुनिएगा दोस्तों, ये भी 10th स्टैंडर्ड का ही क्वेश्चन है, वैसे फिजिक्स में भी है लेकिन ये 10वीं स्तर का ही है। विद्युत धारा की इकाई धारा को किस में नापते हैं, देखो दो चीजें, यूनिट का मतलब होता है मात्रक और एक होता है यंत्र, ठीक है। मात्रक पूछा है, मात्रक एम्पियर होगा, मात्रक तो क्या होगा एम्पियर, लेकिन धारा मापते हैं किस यंत्र में, अमीटर में। अमीटर वो यंत्र है जिससे विद्युत धारा नापते हैं, और अमीटर हमेशा विद्युत परिपथ के श्रेणी क्रम में जुड़ता है, ठीक है ना, याद रखना। तो सर ओम, ओम किसका मात्रक है, प्रतिरोध का। ओम किसका मात्रक है, प्रतिरोध का। वोल्ट किसका मात्रक है दोस्तों, वोल्ट विभवांतर का, किसका विभवांतर का, याद रखो, ठीक है ना। एम्पियर किसका, धारा का, ठीक है, सॉरी वॉट है ना, ये
वोट दोस्तों विभवांतर का नहीं है, वोट शक्ति का है, और वोल्ट किसका है? विभवांतर का। वोल्ट किसका है? विभवांतर का। तो अब आपके सामने देख लो, वोट शक्ति का, ओम प्रतिरोध का, वोल्ट विभवांतर का, एम्पियर का धारा है ना। तो देखो आप, इसने कहा धारा का एम्पियर, ऑप्शन नंबर बी राइट, ऑप्शन नंबर बी राइट, ओके वेरी नाइस। अब इधर आओ, किधर आओ, आधे इधर आओ आधे उधर जाओ, ये लो। अब क्या लोगे भैया? ये लो, ये क्वेश्चन ले लो। चलो ये क्वेश्चन क्या है मेरे दोस्तों? स्पोर्ट्स प्रादर्श नाम सुना है? प्रादर्श, प्रादर्श नाम सुना है आपने? हाँ सर मैंने सुना है प्रादर्श। स्पोर्ट्स किस में रखते हैं प्रादर्श? आपने देखा है अपने साइंस की बायो की लैब में? हाँ सर मैंने बायो की लैब में देखा है। किसको देखा? सर मैंने प्रादर्श को देखा। आपने देखा होगा स्टार फिश रखी हुई होगी लेबियो, ठीक है ना, डॉग फिश रखी हुई होगी, क्रेब्स रखा हुआ होगा, केकड़ा देखा कि नहीं देखा? सर बिल्कुल देखा मैंने। तो मेरे भाई मेरी बात को समझ, क्या समझू सर? वो जो पानी के जैसा भरा हुआ कांच की बोतल में था ना, वो फार्मेलिन था। क्या था? फार्मेलिन। अरे फार्मेलिन का मतलब होता है फार्मेल्डिहाइड, फार्मेल्डिहाइड, जलीय फार्मेल्डिहाइड। कहाँ पे है ऐसा लिखा हुआ है? तो मृत अंगों का संरक्षण करना है तो उसे फार्मेनिल के अंदर डालना पड़ेगा। याद रखो ये फार्मेलिन क्या है? फेरस सल्फेट है का? नहीं। फार्मेल्डिहाइड है का? हाँ। फार्मिक अम्ल है का? ना। फेरिक एलम है क्या? नहीं। फार्मिक अम्ल तो लाल चींटी के डंक में होता है ऐसा मैंने पढ़ा था, ठीक है ना, याद रखो आप फार्मेल्डिहाइड। तो सर फार्मिक अम्ल फिर क्या होता है? अरे फार्मिक अम्ल जो है ना वो तो ये होता है HCOOH, इसको तो बोलते हैं फार्मेनोइक अम्ल, जैसे एथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, सॉरी फार्मेनोइक नहीं मेथेनोइक, ठीक है ना। तो दोस्तों फार्मिक अम्ल तो एक तरह का मेथेनोइक अम्ल है, और फार्मेल्डिहाइड कैसा है फिर? फार्मेल्डिहाइड क्या? मेथेनेल है का या एथेनेल है का? बताओ, बिल्कुल मेथेनेल है, ठीक है, ओके। तो दोस्तों बात समझ आ गई, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फार्मेनिल केमिकल के अंदर कोई भी चीज रख दोगे तो वो मर तो गई है, इसके अंदर रखी हुई है लेकिन सड़ेगी नहीं, जैसी है वैसी रहेगी, है कि नहीं? बिल्कुल। अब दोस्तों आगे बरे का भरोसा, ठीक है। यूनिवर्सल डोनर, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज नॉन एज यूनिवर्सल डोलर, डोलर नहीं सॉरी डोनर, ठीक है। निम्न में से किस, निम्न में से किस, निम्न में से किस रक्त समूह को यूनिवर्सल दाता, यूनिवर्सल डोनर के नाम से जाना जाता है? बता दो कौन सा। अरे सार्वत्रिक दाता कौन, देगा कौन? ए बी नहीं, ओ, हाँ ओ जो है वो क्या है? दाता। ए बी क्या है? ग्राही। ए बी सभी से लेगा और ओ सभी को देगा। अगर मेरा रक्त समूह ओ होता तो मैं किसी को भी रक्त दे सकता था, और अगर सामने वाले का रक्त समूह ए बी होता वो किसी का भी ब्लड ले सकता है। ये तो बचपन की बातें हो गई। जब हम थोड़े बड़े हो जाएंगे तो हम ये कहेंगे कि सर सार्वत्रिक दाता ओ में कौन सा? ओ नेगेटिव होता है, ठीक। और सर सार्वत्रिक ग्राही ए बी में कौन सा? बोलो, ए बी नेगेटिव की ए बी पॉजिटिव? ए बी पॉजिटिव होता है। ए बी पॉजिटिव सार्वत्रिक ग्राही होता है और ओ नेगेटिव सार्वत्रिक दाता होता है, लेकिन यहां नेगेटिव पॉजिटिव लिखा नहीं है तो सीधा ओ ही राइट होगा। किस रक्त समूह को यूनिवर्सल दाता कहते हैं? तो ओ रक्त समूह, ओके। अगला देखो, आयोडीन इज असेंशियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन ऑफ विच ऑफ ग्लैंड, यानी ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसको बनाने के लिए आयोडीन चाहिए? डेली बताता रहता हूं मैं ये बात, ठीक है ना, हमेशा ये बात मैं बोलता रहता हूं। मैं एक तो कौन सी जानकारी बताता हूं मेरे लाडलो,
अब हमारे अंचल मौर्या कह रहे हैं, रोशनी जी फोन चार्ज नहीं है क्या? अरे भैया आप रोशनी जी से क्यों पूछ रहे हैं? ठीक है ना, सभी अपने अपने फोन चार्ज करते रहेंगे जब उनको जरूरत होगी। आप अपना फोन चार्ज रखो भाई, ठीक है ना। और एलडीसी 12th पास वालों के लिए भी है क्या? हाँ, 12वीं पास वाला, चाहे आर्ट्स का हो, चाहे साइंस का, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे एग्रीकल्चर का, वो एलडीसी की तैयारी कर सकता है। और उसकी तैयारी आपका विजय एजुकेशन 7 जुलाई से शुरू कर रहा है। और दोस्तों आप इस महायज्ञ में शामिल जरूर होइएगा, ठीक है ना। इसकी क्लास हम जो हैं 1 जुलाई से यूट्यूब पर आगाज कर रहे हैं, ठीक है। वेरी नाइस, मिस्टर राजेश वर्मा जाट क्वीन सीकर आरजे 23, क्या बात है। मनीषा गुप्ता, राजेश वर्मा, श्रुति गिरी, नेहा, अनीश, सिमरन, गौतम, लक्की यादव, दीपशिखा सिंह, आंसर आना शुरू हो चुका है। मेरे नर्सिंग के बच्चों को भी इसका आंसर मालूम है, मुझे पता है, ठीक है। अनुष्का मीणा, ठीक है, जिन बच्चों ने आज लैब असिस्टेंट का एग्जाम दिया है वो एक बार थोड़ा दोस्तों थम्स अप का साइन करें, ठीक है, बहुत अच्छे, बिल्कुल बिल्कुल। बाबूलाल रुंदाला, एलडीसी के लिए कंप्यूटर साइंस जरूरी है, कंप्यूटर का डिप्लोमा। अनुष्का वर्मा, पिंकी कुमारी, ठीक है, दीपशिखा, फिजिक्स केमिस्ट्री कैसे पढ़ाते हैं, सच बोलना भैया को, ठीक है। रीना, मुकुल कुमार, ठीक है, इसके बाद में राजेश वर्मा, गोकुल कटारिया, चंदना कुमारी, ऋचा यादव, लकी यादव, अस्मित फ्रॉम भरतपुर, भरतपुर वाले बच्चों का बहुत सपोर्ट रहा है विजय एजुकेशन को, रीना, मिस्टर संदीप, राजेश वर्मा, इसके अलावा मम्मी का क्रोकोडाइल, सर आई लव यू टू, ठीक है, हरीश सैनी, लकी यादव, लाली कुमारी, मुकुल कुमार, ठीक है। तो बच्चों बिल्कुल आप सभी से मुझे बहुत प्रेम है, और ये प्रेम दोस्तों कौन से वाला है, जैसे एक परिवार का एक सदस्य दूसरे से करता है, वो वाला प्रेम है मेरे दोस्तों, ठीक है। मैं आपसे इसलिए प्रेम कर रहा हूँ क्योंकि आप जो हैं बहुत ही अनुशासन के साथ मेहनत कर रहे हैं मेरे दोस्तों, ठीक है ना। आप उतना ही प्रेम मेरे दोस्तों अपनी किताबों से भी करिएगा, ठीक है दोस्तों। एक दिन ज़रूर आप सक्सेस हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इसने कहा है किस ग्रंथि के द्वारा, ये कौन है रे जो साथ साथ चल रहा है, किस ग्रंथि के द्वारा हार्मोन उत्पादन के लिए आयोडीन चाहिए, वो ग्रंथि है हमारी थायराइड। थायराइड के बारे में याद रखो, ये दोस्तों हमारे शरीर की सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड है, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, याद रखो आप, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। इसके बाद में मेरे दोस्तों एक दो बात और, क्या सर, ठीक है। और दोस्तों मैं एक बात बताऊं आपको, बता दूं, मैं लैब असिस्टेंट के बच्चे जिनका कल एग्जाम होना है उनके लिए मैं 2 घंटे की थोड़ी देर बाद क्लास भी लूंगा, 10 बजे से 12 बजे। ये भी बहुत बड़ी घोषणा आपके लिए की बना के रखना, आज रात 10 बजे से रात 12 या 1 बजे तक मैं क्लास भी लूँगा, ये और कह रहा हूँ। करीब करीब 100 प्रश्न करवाने वाला हूँ, क्या पता बच्चों की भलाई हो जाए। मैं एक रात अगर ढंग से नींद नहीं भी लूँगा तो भी चलेगा, लेकिन मेरे बच्चों का फायदा होना चाहिए, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कौन कौन जुड़ेगा आज 10 बजे की क्लास में, थम्सअप का साइन जरूर करना मेरे दोस्तों, मुझे आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है थायराइड, जबकि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, लार्जेस्ट ग्लैंड सर, लार्जेस्ट ग्लैंड जो है ना वो लीवर है, कौन सी है, लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है, ओके। अब दोस्तों थायराइड ग्लैंड का हार्मोन जो है वो आयोडीन युक्त है जरूर, बट बना हुआ प्रोटीन का है मेनली तो बना हुआ प्रोटीन का है, बट साथ ही साथ आयोडीन भी चाहिए। इसमें 2 हार्मोन आते हैं, एक T3, एक T4 और एक थायराइड कैल्सिटोनिन हार्मोन, याद रखना T3, T4 और थायराइड कैल्सिटोनिन हार्मोन, ओके, वेरी नाइस।
तो सर पैराथायराइड से पैराथार्मोन, एड्रीनल से तो मैंने बता ही दिया, कॉर्टेक्स से मिनरलोकोर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड और सेक्स कोर्टिकोइड, और एड्रीनल ग्लैंड के मेडुला से एड्रीनेलिन और नॉरएड्रीनेलिन, और पीनियल ग्लैंड से कौन सा, पीनियल ग्लैंड से मिलेटोनिन का सीक्रेशन होता है, और मिलेटोनिन दोस्तों आपके दैनिक लय का नियमन करता है, आपको रात को नींद आ जाती है बढ़िया तरह से, ये इस हॉर्मोन की वजह से आती है, जानते हो है कि नहीं। जब मेरे दोस्तों तेज लाइट में, तेज प्रकाश में ये हार्मोन कम बनता है, अंधेरे में ज़्यादा बनता है, ठीक है ना। तो रात के समय दोस्तों आपको, आपके शरीर में मेलाटोनिन का लेवल बढ़ता है, इसलिए आपको बढ़िया नींद आ जाती है, ठीक है ना, याद रखो इस बात को, ये दैनिक लय का नियमन करता है। ओके चलो ये बात हो गई, इसके बाद में अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला क्वेश्चन क्या है, दंत मंजन को सफेद बनाने वाला रसायन कौन सा है, इसका आंसर कौन देगा। चलो दंत मंजन को सफेद बनाने वाला रसायन कौन सा है, पहले तो एक बार सभी लाइक कर दो, देखें सभी बच्चे एक बार के लिए लाइक कर दो प्लीज मेरे साथियों, फिर मैं इस वीडियो को कंप्लीट करूंगा और फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए एक और वीडियो लेके आ रहा हूं जस्ट आधे घंटे के बाद, जल्दी करिएगा, एक की और बनाइएगा, इसके ऊपर लिख दीजिए बायोलॉजी पेपर सॉल्यूशन, ठीक है। बहुत अच्छे मेरे प्यारे साथियों, एक बार इतना काम कर दो, इसका राइट आंसर मुझे बता दो फटाफट, ठीक है जल्दी बता दो क्या होगा, ठीक है। कृष्ण कुमार, मुकुल, निखिल, ठीक है, साधना शर्मा, इसके अलावा गोपी भाई, बच्चों आपको विजय एजुकेशन से, ठीक है ना मेरे दोस्तों, अगर आप विजय एजुकेशन से आपको 1% भी फायदा हुआ है तो एक निवेदन जरूर करूंगा, आज आपको ये लिंक सभी को अपने स्टेटस पर डालनी है और एक नीचे लाइन डालनी है, ठीक है। विजय सर की टोटल 3 मैराथन क्लास है, आप बच्चों को कहिए जरूर देखें, 3 कौन सी, एक 12 घंटे की, एक दोस्तों 6 घंटे की और एक 10 घंटे की। अपने चैनल पे 3 बड़ी मैराथन क्लास पिछले दिनों में मैंने ली है, तीनों क्लास आप कहिए कि बच्चे देख लें, और साथ ही साथ दोस्तों पिछले दिनों में मैंने 15 या 20 लगातार 1-1 घंटे की क्लास ली है, लेकिन अगर कोई बच्चा 1 12 घंटे वाली और 1 6 घंटे वाली 10वीं की विज्ञान की मैंने जो ली है वो 2 क्लास जिसने देख ली, उसके बायो के सारे प्रश्न सही हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है, जरूर देखना। और आप दोस्तों हर एक बच्चे तक ये बात पहुंचा देना कि इस बार विजय एजुकेशन जैसे एक प्लेटफॉर्म ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया, और जो दोस्तों बड़े बड़े जो कोचिंग संस्थान थे उनसे भी पहले पेपर का सॉल्यूशन YouTube पर दिया, और दूसरी बड़ी बात यह है कि जो हमारे बड़े संस्थान हैं उनसे उनके बराबर एक प्रतिस्पर्धा की, ये प्रतिस्पर्धा ईर्ष्या वाली नहीं है दोस्तों, ये प्रतिस्पर्धा है एजुकेशन को बढ़ावा देने वाली, ठीक है ना मेरे दोस्तों। आज हम सब, ठीक है, जो शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं हम दोस्तों सब इक्वल हैं, ठीक है, इनमें कोई बड़ा नहीं और कोई छोटा नहीं दोस्तों, ठीक है ना, सभी अपने लेवल पर काम कर रहे हैं, और आज हमने अपने काम से साबित कर दिया है दोस्तों कि हम भी किसी से कम नहीं है। अब दोस्तों आप ही मुझे बताइएगा, आप यहाँ से अगर बायोलॉजी की क्लास लेते हैं तो आपको सेटिस्फेक्शन ज़रूर मिलता होगा, संतुष्टि ज़रूर मिलती होगी, बातें बिल्कुल सामान्य तौर पर मैं समझाता हूँ तो आपको समझ ज़रूर आती होगी, ठीक है ना। और मैं हमेशा ईमानदारी से पढ़ाता हूँ दोस्तों, कभी ईमानदारी के साथ समझौता नहीं करता, कभी भी फॉर्मेलिटी नहीं करवाता, ठीक है ना, कभी भी फालतू की बातें नहीं करते हम लोग, हमेशा पढ़ाई की बात करते हैं, ठीक है, हमेशा आप कैसे अपने टारगेट तक पहुंचे हैं, कैसे अपने एग्जाम को दोस्तों जो है फाइट करें उनकी बात करते हैं दोस्तों, आपने भी देखा होगा, ठीक है ना। और आज दोस्तों बहुत ही बढ़िया दिन है हमारे लिए, खुशी का दिन है कि अपन ने जो बच्चों को पढ़ाया उनमें से सीधे डायरेक्ट प्रश्न आ गए, ठीक है ना दोस्तों, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, अपने नोट्स के अंदर से सीधे प्रश्न आ गए, अपने मॉडल पेपर से डायरेक्ट प्रश्न आ गए, अपने दोस्तों मैराथन क्लास से सीधे सीधे प्रश्न आ गए, मैं उनके भी स्क्रीनशॉट थोड़ी देर बाद में मेरे दोस्तों डालने वाला हूँ, ठीक है, हमारी टेक्निकल टीम उसको तैयार भी कर रही है, TiO2, ठीक है ना दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ओके वेरी नाइस, तो दोस्तों मैंने करीब करीब बायोलॉजी के सारे प्रश्न ले लिए हैं, बायो का शायद कोई पीछे नहीं रहा होगा, ठीक है ना, फिर भी अगर कोई पीछे रह गया है तो अपन देख लेते हैं,
ठीक है ना दोस्तों। अब थोड़ी देर बाद में मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री का पेपर लेकर के आपसे सामने रहूँगा, अपनी फैकल्टी भी यहाँ पे रहेगी, ठीक है। बहुत ही अच्छे मेरे लाडलो, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। एक बार शेयर करते रहिएगा, तब तक मैं पेपर को थोड़ा स्क्रॉल कर लेता हूँ, कहीं पर अपना कोई क्वेश्चन है अगर ऐसा तो वो अपन जो है देख लेते हैं, ठीक है। कोई बायो का ऐसा तो प्रश्न नहीं है जो हमने नहीं किया हो, देख लें का, बिल्कुल देख लो सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये भी हमने कर लिया है, ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया है, ये बायो का प्रश्न हो गया अपना, हर एक प्रश्न मैंने करवा दिया है, ठीक है। और अभी इसकी ऑथेंटिक आंसर की भी मैं विजय एजुकेशन पर डाल रहा हूँ, ठीक है ना, जिसमें हर एक क्वेश्चन का सही आंसर टिक किया हुआ मिलेगा आपको। विजय एजुकेशन की बायोलॉजी की एक स्पेशल आंसर की मैं जारी कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। ये लीजिएगा, हर एक क्वेश्चन मैंने मेरे दोस्तों आपके सामने रख दिया है, मुझे लगता है कोई भी क्वेश्चन पीछे नहीं छूटा है, कोई भी प्रश्न पीछे नहीं छूटा है मेरे लाडलो, ठीक है ना। ये बाद में तो आपके फिजिक्स वाले क्वेश्चन आ गए हैं मुझे लग रहा है, ठीक है। ये कौन से क्वेश्चन है, फिजिक्स वाले प्रश्न लग रहे हैं मुझे, ये लीजिएगा, ये भी आपका फिजिक्स वाले ही क्वेश्चन मुझे लग रहे हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश, ओके, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस, ओके। तो चलो दोस्तों, मैं यहीं पे कंप्लीट करना चाहूँगा, और ठीक ठीक आधे घंटे के बाद, ठीक है ना, आधे घंटे के बाद मैं एक बार फिर लाइव आऊँगा, आधे घंटे का वीडियो लेकर के, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री की आंसर की रखूँगा, और फिर रात 10 बजे फिर लाइव आऊँगा। 10 से 12 के बीच में लगभग 100 या 200 प्रश्न और करवाऊँगा मैं लैब असिस्टेंट के मेरे भाई बहन के लिए, जिनका कल एग्ज़ाम होना है, ठीक है दोस्तों। तो मेरी तरफ से मैं पूरा एफर्ट लगा रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरह से अपने एग्ज़ाम को फाइट करें। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।